स पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है सब लोग होप्स बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके अमेंडमेंट लेक्चर दैट इज एप्लीकेबल फॉर द मे एंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम के लिए तो जो लोग मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या फिर जून दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सी एम ए वाले स्टूडेंट जो अपियर करने वाले हैं उनके लिए सर अमेंडमेंट कौन कौन से है तो अमेंडमेंट मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022 इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन और फिनेंस एक्ट 2022 से जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हम इस टॉपिक में इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं सबसे पहला एक क्लेरिफिकेशन जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे लेक्चर ले रखे हैं मे नवंबर टू के लिए आइदर रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच उनको ये अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखने हैं ये जो अमेंडमेंट लेक्चर मैं अभी अपलोड करने वाला हूं जो आपको मिलने वाले हैं दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अवर स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी मे नवंबर 2023 का बैच लिया है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है उसके बाद में सर यहां पे आपके पास बुक कौन सी होनी चाहिए तो ये बुक जो है मे नवंबर 2023 जिसके ऊपर लिखा है कॉम्पैक्ट है वो बुक आपके पास होनी चाहिए तो इसी से हम अमेंडमेंट लेक्चर से वो कवर करने वाले हैं अब आप बोलेंगे कि सर इसमें अमेंडमेंट वाला पार्ट है उसका पीडीएफ मिल सकता है इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या है ना बहुत सारे पेजेस में अमेंडमेंट है आप देखोगे हर कुछ पेजेस के बाद में अमेंडमेंट है बहुत सारे मैंने अपडेशन किए हैं बहुत सारी नई चीजें हैं वो मैंने कॉम्पैक्ट में डाली है बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हैं सो so ये आपके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं मे नवंबर टू के लिए तो आप अपनी बुक को चेंज कर दे कॉम्पैक्ट को एटलीस्ट आप चेंज कर दे करके ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक और वो पहला टॉपिक आपका कौन सा है टैक्स रेट तो टैक्स रेट में क्या अमेंडमेंट है तो टैक्स रेट में छोटा सा अमेंडमेंट तो ये है कि टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट या 2324 में एक पहला अमेंडमेंट ये है कि जो इंडिविजुअल एच एओपी आर्टिफिशियल जुडिडिकल पर्सन के लिए सरचार्ज क्या लगता है तो जैसे आपको पता है इंडिविजुअल एच एफ एओपीबीआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए सरचार्ज अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू तो वन करोड़ सरचार्ज 10 परसेंट मोर देन वन करोड़ अप टू तो करोड़ सरचार्ज 15 परसेंट मोर देन टू करोड़ टू फाइव तो करोड़ सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन फाइव करोड़ सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट लेकिन उसमें आपको एक चीज ध्यान है हमने आपको बताया था कि जो ये हायर सरचार्ज है ना ये तीन तरह की इनकम पे नहीं लगता एक तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू ए वन वन टू ए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा होता है शेयर मार्केट से या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वाला होता है या फिर आपको डिविडेंड का इनकम होता है तो उस पर आपको हायर सरचार्ज ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट नहीं लगता इस बार से एक अमेंडमेंट किया फाइनेंस एक्ट 2022 बाय द निर्मला सीतारमन जी एंड वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि इसके साथ साथ में अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 112 वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 वाला मीन आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा हाउस प्रॉपर्टी बेचा लैंड बेचा गोल्ड बेचा और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन टू एट द रेट ट्वेंटी परसेंट तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना बेटा ये भी आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट जो सरचार्ज है उससे हिट नहीं करेगा दैट विल नॉट बी हिट बाय द ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज सो इन सिंपल वर्ड बता दू आपका जो डिविडेंड का इनकम है और कैपिटल गेन आपका ट्रिपल वन ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और वन वन टू ए वाला लॉन्ग कैपिटल गेन और वन वन टू वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपका मैक्सिमम सरचार्ज फिफ्टीन परसेंट रहेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्टी सेवन परसेंट नहीं रहेगा दैट इज वन अमेंडमेंट उसके बाद में एक अमेंडमेंट आपका जो है दैट इज रिलेटेड टू कंपनी का टैक्स रेट तो एक बात बताइए कंपनी के केस में आपका टैक्स रेट क्या रहता है डोमेस्टिक कंपनी के केस में जैसा आपको पता है थर्टी परसेंट लेकिन डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर है वो प्रीवियस ईयर 2021 का अप टू 400 करोड़ है तो यहां पे 25 परसेंट हो जाएगा लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर देखते थे बट अभी आपको फॉर द 2022 के हिसाब से एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन मे नवंबर और जून दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए आपको प्रीवियस ईयर ट्वेंटी 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 थर्टी परसेंट एंड केस ऑफ फॉरेन कंपनी उसके बाद मैं एक और चीज समझदा यहां पर आपका एक और चीज का चेंज हुआ है, लेकिन वो बुक में नहीं हुआ उसका एक कॉरिजेंडम मैंने डाला है दो तीन चेंजेज है जिसका कॉरेजेंडम आपको मिल जाएगा तो कॉरेजेंडम आपको मिल जाएगा बट तो भी अगर आपके पास अभी बुक है तो यह आप चेंज कर लीजिए आप पेज नंबर थ्री पे पेज नंबर थ्री पे मैंने जो बताया ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के केसेस में सरचार्ज है फ्रॉम फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सरचार्ज जैसा डोमेस्टिक कंपनी केस में लगता है ना वैसे ही लगेगा जैसा डोमेस्टिक कंपनी केस में सरचार्ज लगता है वैसा ही लगेगा मीन आपका टोटल इनकम वन करोड़ से ज्यादा है टू टेन करोड़ है तो सरचार्ज सेवन परसेंट और टेन करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज तुम्हारा ट्वेल्व परसेंट तो जैसा डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है वैसे लगेगा तो आप यहां पे लिख लीजिए दैट इज सरचार्ज एट द रेट सेवन परसेंट इफ नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ एंड ट्वेल्व इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन टेन करोड़ अगर आपकी बुक में ऑलरेडी चेंज है तो आप मत करना बट कुछ कुछ बुक में ये चेंज नहीं है जो इनिशियल प्रिंट हुई थी उसमें तो अगर ये चेंज नहीं है तो प्लीज आप इसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिए यहां पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज सेवन परसेंट इफ नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन वन करोड़ अप टू टेन करोड़ ट्वेल्व परसेंट इफ नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन टेन करोड़ सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन द टैक्स रेट अब एक चीज समझना उसके बाद में आपका सेक्शन पे आ जाइए सीधा के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका टैक्स रेट 15% परसेंट रहेगा जो बिजनेस की इनकम होती है उस पर फिफ्टीन परसेंट की रेट से टैक्स रेट रहता है उसमें कंडीशन ये थी कि इनकॉर्पोरेटेड

डोमेस्टिक कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्ट अक्टूबर 2019 एंड बिजनेस शुड बी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये 24 हो गया है करके ठीक है लेकिन उसी पेज पे लास्ट में आप जाएंगे ना तो यहां पे 24 एक लिखना रह गया था तो आप यहां पे भी 24 कर दीजिएगा करके ठीक है जो कंडीशन में दे रखी है वो कंडीशन में पहली कंडीशन में यहां पर ट्वेंटी है जस्ट मेक इट ट्वेंटी फोर करके ठीक है चलिए तो आपके टैक्स रेट वाले टॉपिक में इतना ही चेंजेस है इसके अलावा टैक्स रेट वाले टॉपिक में कोई भी चेंजेस नहीं है अब अपन अगर कैपिटल गेन पे चलते हैं कि कैपिटल गेन वाले टॉपिक में कौन कौन से चेंजेस है तो कैपिटल गेन में पहला चेंज तो आपका इंडेक्स नंबर वाला

लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस है लेकिन इस बार आप कैपिटल गेन का टॉपिक देंगे अगर आपके पास कॉम्पैक्ट रहेगी तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहां चीजें है जैसे ये वाली सेक्शन है आपकी इस सेक्शन से रिलेटेड मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल डाला है फोर्टी फाइव फोर से रिलेटेड और फोर्टी फाइव फोर और नाइन बी से रिलेटेड यहां पे एक बहुत ही मस्त वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज प्रेम वाला है वो एग्जाम्पल मैंने डाला है और इस एग्जाम्पल से अगर आप देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी और उसमें मैंने अलग अलग करके सिचुएशन बताई है सो दैट इज द वेरी नाइस पार्ट आप देखेंगे तो आपको करने में उसके बाद में बट अमेंडमेंट नहीं है ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट जो अच्छा क्वेश्चन है आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो ये स्लम सेल का क्वेश्चन भी डाला है उसके बाद में आप देखेंगे और अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो अमेंडमेंट में एक छोटा सा अमेंडमेंट यहां पर है ये वाला

एफ एस सी लोकेटेड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन कौन कौन सी असेट उसमें सबसे पहला जो तुम्हारा था दैट इज द बॉन्ड्स एंड जीडीआर डी रेफर्ड अंडर सेक्शन ए सी वन वन नॉन रेजिडेंट के लिए एक सेक्शन होती है तो आप अगर उसमें जो बॉन्ड्स है बॉन्ड्स का मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं इसको एफसीसीबी एफसीसीबी तो FCCB या जीआरडी है वो मतलब ट्रांसफर कर रहा है या फिर कोई डेरिवेटिव ट्रांसफर करता है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और सच अदर सिक्योरिटी में भी नोटिफाइड और इन्होंने नोटिफाई किया एक तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट एंड ऑल्टर इन्वेस्टमेंट फंड ये पहले से नोटिफाई था इसमें एक और चीज नोटिफाई की है दैट इज द बुलियन डिपोजिटरी रिसिट तो बुलियन डिपोजिटरी रिसिट अगर ट्रांसफर की जाती है बुलियन डिपोजिटरी रिसिट है वो अगर ट्रांसफर की जाती है कहां पे आईएफएससी में लोकेटेड रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और कंसिडरेशन अगर फॉरेन करेंसी में मिला है तो इस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा किसको नॉन रेजिडेंट को तो नॉन रेजिडेंट ने ट्रांसफर किया ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वहां परेशन आपको फॉरन करेंसी में मिलना चाहिए अगर बुलियन डिपोजिटरी रिसिट ट्रांसफर किया तो यह भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा सो दिस इज वन स्मॉल चेंज इन द कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन में एक छोटा सा ये चेंज था उसके बाद में एक चीज समझना कैपिटल गेन में और कोई चेंजेस नहीं है बट कैपिटल गेन में मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया इस बार यूलिप से रिलेटेड एग्जाम्पल डाला है तो अगर आप यूलिप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा और मैंने यूलिप से रिलेटेड आपको बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल डाल के दिया ये वाला एग्जाम्पल जिसमें एक ही एग्जाम्पल में सब चीजें कवर हो जाएगी तो एक ही एग्जाम्पल में काफी चीजें कवर हो जाएगी तो ये यूलिप में एक एग्जाम्पल है ठीक है तो वो आप एक बार देखिए उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कोई चेंज नहीं है एक चेंज तो ये वाला है करके ठीक है ज द एक दो चेंजेज दो है पहला चेंज तो ये वाला एक बात बताइए मैंने आपको बताया था कि अदर सोर्सेज में जो आपको असेट गिफ्ट में मिलती है या इफ यू रिसीव एनी अट फॉर लो कंसिडरेशन तो आपके लिए आई एफ ओ एस में टैक्स लग सकता है बट वो कौन सी असेट तो उसमें क्या क्या था शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्क्योलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ये असेट मिलती है उसके साथ साथ में एक बात समझना यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल असेट को और एड किया है यहां पे वर्चुअल डिजिटल असेट को और ऐड किया दैट इज द क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट में क्या क्या आएगा आज अपन उसको देखेंगे

डिजिटल असेट को भी ऐड किया है अब एक बात समझना एक और अमेंडमेंट किया दैट इज रिलेटेड टू द कोविड आपने देखा होगा कोविड में बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज हुए कोविड की वजह से और बहुत बार किसी लोगों की डेथ भी हुई तो सर उसमें अगर कुछ पैसा मिला तो वो पैसे का क्या होगा तो इसमें दो पार्ट अपन सीखेंगे सबसे पहले तो मान लो अगर कोविड ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा मिला जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे घर में कोई बीमार हो गया कोविड से और कोविड से रिलेटेड इलनेस हुई और उसके लिए मैंने क्या किया मान लो लोगों से कुछ पैसा मांगा लोगों ने मुझे डोनेशन दिया तो मेरे को डोनेशन मिला इट इज लाइक अ गिफ्ट ओनली इट इज लाइक अ गिफ्ट ओनली तो जो गिफ्ट मिला क्या उस पर फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा या नहीं क्या उस पर फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा या नहीं तो यहां पर मेकर्स ने बाय बायस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अमेंडमेंट किया बट दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द देंट इ्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटी उस टाइम पे आ गया था तो अब एक बात समझना यहां अमेंडमेंट क्या है कि इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेज ये केसेस में आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा पहला अगर किसी इंडिविजुअल को बाय एन इंडिविजुअल को पैसा मिलता है फ्रॉम एनी पर्सन मतलब आपको किसी भी पर्सन से मिला है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड नाइनटीन सब्जेक्ट टू द कंडीशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखिए सबसे पहली चीज क्या बोलती है यहां पे लॉ मेकर्स कि अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है वो इंडिविजुअल को किसी से भी पैसा मिल रहा है किसी भी पर्सन से आपको पैसा मिल रहा है और पैसा किसके मिला है एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है किसके लिए कोविड रिलेटेड कोई भी इलनेस है उससे रिलेटेड अगर कोविड रिलेटेड कोई भी ऐसी इलनेस है उस पर आपने कोई खर्चा किया और वो पैसा किसी से मिला है तो उस पर्टिकुलर केस में फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल क्या मान लो मुझे कोविड हो गया एडमिट हो गया और एडमिट हुआ और मुझे मान लो खर्चा हुआ दस लाख का ठीक है या फिफ्टीन लाख का खर्चा हुआ सपोज फिफ्टीन लाख एक्सपेंडिचर इंकर्ड खर्चा हुआ और वो फिफ्टीन लाख मुझे किसी से डोनेशन में मिल गया मुझे किसी से मिल गया फिफ्टीन लाख किसी से भी मिला है नॉन रिलेटिव एंड ऑल इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल बट एक चीज समझना सपोज इफ आई हैव रिसीव द फिफ्टीन लाख रुपीज एंड आई स्पेंड ओनली टेन लाख ऑन द ट्रीटमेंट देन फाइव लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल बिकॉज यहां पे क्या जितना एक्चुअली आप इंकर्ड करोगे ना एक्सपेंडिचर उतना अगर आपको पैसा मिला तो ही वो एक्जेमट है बट उसके ऊपर वाला है दैट शुड बी टैक्सेबल सो सपोज इफ आई हैव रिसीव 15 लाख रुपीज आउट ऑफ दैट 10 लाख इज इंकर्ड और स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ कोविड ट्रीटमेंट देन 5 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल पांच लाख है वो टैक्सेबल हो जाएगा 5 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल पांच लाख टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना है यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है एक और चीज यहां पे समझना कि ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए या तो इंडिविजुअल का, का. और या में कौन कौन आता है ब्रदर तो है सिस्टर है, 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 है ये लोग आ जाएंगे तो फैमिली में कौन आएगा या तो स्पाउस है चिल्ड्रन है एंड डिपेंडेंट रिलेटिव डिपेंडेंट रिलेटिव मीन मदर फादर ब्रदर सिस्टर तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर आपके ट्रीटमेंट के लिए खर्चा किया और आपको पैसा मिला है किसी से इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल इन योर हैंड अंडर सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू टेन दूसरा क्या बोलता है दूसरा पॉइंट तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी दूसरे पर्सन से कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए कोविड से रिलेटेड कोई भी इलनेस हो सकती है जैसे मान लो कोविड हो गया उसके बाद किसी के लंग्स में इंफेक्शन हो गया तो दैट इज ऑल्सो कोविड रिलेटेड इंफेक्शन करके ठीक है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी से कोई भी पैसा मिलता है और वो एक्चुअली इंकड़ हो जाता है ट्रीटमेंट पे खुद के ट्रीटमेंट पे या किसी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट पे देन इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल या आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा अब एक दूसरी चीज समझना नेक्स्ट पार्ट या फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि किसी की हो गई अब एक बात समझिए कोविड में किसी पर्सन की डेथ हो गई तो आपको पता है उसके फैमिली वालों को लोगों ने हेल्प की उसके फैमिली वालों को लोगों ने हेल्प की तो उस केस में क्वेश्चन ये आता है कि फैमिली मेंबर को जो पैसा मिला क्या उसके हाथ में टैक्सेबल होगा तो इसमें दो पार्ट है पहला पार्ट तो ये कि अगर एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मतलब जिसकी डेथ हो गई उसके से कितना भी पैसा मिलता है इट इज एक्टेड बट अगर अदर देन एम्प्लॉयर से मिला है फैमिली मेंबर्स को देन इट इज टैक्सेबल इफ इट इज मोर देन टेन लैख मतलब अगर टेन लैख तक है देन इट इज एक्समटेड टेन लैख तक है तो पूरा एक्ज हो जाएगा अगर टेन लैख से ज्यादा है देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उस पर्सन की अगर डेथ हो गई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और पर्सन की डेथ हो गई और उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिला हेल्प मिली करके ठीक है किससे मिली पहली चीज अगर एम्प्लॉय से मिली जिस पर्सन की डेथ हो गई उसके एम्प्लॉय से मिली देन इट इज फुल्ली एक्सम्ड उस पर्सन या पर्सन से मिलता है और उसमें अगर आपका वो अमाउंट अप टू टेन लाख रुपीज है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा टेन लाख रुपीज से ज्यादा है देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल तो देखिए क्या लिखा हुआ है बाय अ मेंबर मिस मेंबर को पैसा मिल रहा है ऑफ अ फैमिली ऑफ द डिजीज पर्सन अगर कोई पर्सन है उसकी डेथ हो गई उसके फैमिली मेंबर को किससे मिल रहा है

एंड द पेमेंट इज रिस इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन मीन डेथ के बारह महीने के अंदर अंदर पैसा मिला है और सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्मेंट और भी यहां पर कंडीशन डाल सकती है गवर्नमेंट ने और कुछ कंडीशन डाली है answer is yes. तो सबसे पहले किसी पर्सन की डेथ होगी उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय से मिला तो पूरा एग्जाम कितना भी रहे अदर से मिला तो टेन लाख एक्ट है अब एक चीज समझना कंडीशन अंदर अंदर तो मतलब ठीक है उस किसी पर्सन की डेथ हुई उसके टेंथ उसके ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर जो है वो पैसा मिलना चाहिए तो मनी रिसीव विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम डेथ ऑफ द सच पर्सन भगवान करे किसी के साथ ऐसा गलत ना हो चलिए

लेकिन यहां पे एक कंडीशन ये डाली कि जब वो पर्सन कोविड पॉजिटिव हुआ या डिटरमाइन एज कोविड से रिलेटेड उसको इलनेस हुआ उसके सिक्स मंथ के अंदर अंदर उसकी डेथ होनी चाहिए अगर सिक्स मंथ के बाद डेथ हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में ये एग्जामेशन नहीं मिलेगी ये जो ऊपर एग्जामेशन बोली थी ये एग्जामेशन तभी मिलेगी जब वो कोविड पॉजिटिव हुआ कोविड पॉजिटिव हुआ या क्लिनिकली उसको डिटरमाइन किया कि इट इज अ कोविड 19 केस करके ठीक है वहां से मंथ के अंदर अंदर जो है वो डेथ होनी चाहिए सिक्स मंथ के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए क्या बोले ऐसे गवर्नमेंट कंडीशन डाल रही है दूसरा पार्ट द फैमिली मेंबर ऑफ इंडिविजुअल शेल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट उनको क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे फैमिली मेंबर को पहला कोविड 19 पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल और मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइन टू बी कोविड 19 पॉजिटिव थ्रू इन्वेस्टिगेशन इन द हॉस्पिटल और एन इन पेशेंट फैसिलिटी बाय ट्रीटिंग फिजिशियन उनके पास कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट होना चाहिए या फिर उस या फिर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मतलब जब आपका ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है तो कोविड पॉजिटिव हुए तो तो उसकी जो कोविड रिपोर्ट रहेगी वो आपके पास रहेगी करके ठीक है एनटीपीसीआर जो भी बोलते हैं वो या फिर उसके अलावा अगर मान लो कहीं एडमिट वगैरह किया था तो वहां डॉक्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन और क्या क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है वो सब चीजें

Statement of any sum of money received by member of family of the deceased person from the employer of the deceased person or from any other person or person on account of death due to 19. शेल बी वेरीफाइड एंड फर्निश इन द फॉर्म नंबर ए अब एक बात समझना, इसमें जो भी आपको पैसा मिलेगा वो पैसे को आपका पूरा डिटेल देना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर ए इन्होंने फॉर्म नंबर ए डाला है और वो फॉर्म नंबर ए में आपको पूरा डिटेल है वो देना पड़ेगा किस किस से कौन सी डेट को कितना पैसा मिला तो वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी सो दिस इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अमेंडमेंट इसको छोड़ के और अदर सोर्सेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है

वो अपन करते हैं तो टीडीएस टीसीएस टॉपिक की अगर बात करते हैं तो अमेंडमेंट्स तो है इस बार और अमेंडमेंट्स क्या है वो अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो टीडीएस टीसीएस टॉपिक में जो अमेंडमेंट है उसमें 190 नाइनटी 193, 194, 194 थ्री वन नाइनटी ए बी बी सी डी में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है एक अमेंडमेंट सीधा आपको मिलेगा दैट इज 194 आपकी आई ए सेक्शन में तो पहलाइंटी फोर आई ए में तो चलिए अपन वन नाइनटी फोर आई ए क्या बोलता है मैंने आपको सिखाया था वन नाइंटी फोर आई एज अमूवेबल प्रॉपर्टी आप एक्वायर करते हो तो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो एंड योर कंसिडरेशन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने एक्वायर किया उसका जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन आपका जो कंसिडरेशन है इफ दैट कंसिडरेशन इज 50 लाख ,00 रुपीज और मोर देन देर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट वन परसेंट ऑन देशन लेकिन इस बार लॉ में अमेंडमेंट कर दिया एंड लॉ मेकर्स ने बोला कि आप कंसिडरेशन नहीं यहां पे एसडीवी भी देखना पड़ेगा सो so, अगर कंसिडरेशन और एसडीवी इन दोनों में से विच एवर इज हायर अगर कोई भी 50 लाख ,00 रुपेज या उससे ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस आएगा फर्स्ट अमेंडमेंट इज आपका जो कंसिडरेशन रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का और लाइक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर अगर इन दोनों में से एक भी 50 लैख से ज्यादा हो गया 50 लैख या उससे ज्यादा हो गया आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और टीडीएस किस पे काटोगे कंसिडरेशन या एसडीवी विच एवर इज हायर तो जो कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर रहेगा उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट वन परसेंट तो देखिए क्या दे रखा है तो आपका यहां पे टीडीएस कटता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड एनी पर्सन जो है वो बायर हो सकता है सेलर रेजिडेंट पर्सन है अब एक चीज समझना यहां पे टीडीएस का रेट आपका वन परसेंट रहेगा वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन और एसडीबी विच एवर इज हायर वन परसेंट ऑफ एसडीवी डी और मोर. तो इन दोनों में से एक भी चीज अगर फिफ्टी लाख ,00 या उससे ज्यादा हो गई तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लास्ट ईयर तक कैसा होता था फॉर एन एग्जाम्पल आपका सेलिंग प्राइस है वो फोर्टी एट ,00 है एंड भैया आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो फिफ्टी टू ,00 है तो लास्ट ईयर तक क्या होता था देअर वॉज नो टीडीएस बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन द फिफ्टी नॉट फिफ्टी लैक और मोर

वाले जो है, जैसे आपके क्यू ए, क्यूनिफोर क्या बोलते हैं क्यू वाला चेंज है वो क्यू वाले चेंजेस मैंने यहां पे डाल रखी है वो पहले भी मैं इसको करा चुका हूं लास्ट ईयर करके ठीक है चलिए उसके बाद एक सेक्शन आई है 194 आर और 194 नाइनटी फोर आर इज आर बहुत अच्छी सेक्शन है इसको हम अभी पढ़ना चालू करेंगे और मेरे को लगता है आने वाला डेढ़ घंटा सिर्फ 194 नाइनटी फोर आर पे ही आपके साथ बीतने वाला है जिसमें हम 194 नाइनटी फोर आर को पढ़ेंगे दिस इज द न्यू सेक्शन फ्रॉम दिस ईयर बट वन नाइनटी फोर आर से पहले मैं आपको कुछ और टी के चेंजेस है वो मैं करा देता हूँ चलिए एक तो आपका चेंज है सेक्शन टू ए में अब ये 239 ए क्या सेक्शन है इस बार इन्होंने डाली है और ये सेक्शन क्या बोलती है आपको इजीली का का गवर्नमेंट को जमा कराया लेकिन आप यह क्लेम करते हो कि नॉन रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटना था देर बी पॉसिबिलिटी पेमेंट टू एनी नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी आउटसाइड इंडिया एंड यहां पे आपका यू कैन से दैट देर इज नो श्योरिटी क्या टीडीएस शुड बी देयर और नॉट आपको टी डी एस काटना है एक सेक्शन हुआ करती थी टू फोर्टी एट पहले और उस सेक्शन में ये लिखा था कि आपको टीडीएस काटना है काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है और आप अगर बोल रहे हो कि नहीं नहीं टीडीएस नहीं कटना चाहिए तो आप एक काम करिए आपको सीआईटी अपील में जाना पड़ेगा और सीआईटी अपील से बोलना पड़ेगा सीआईटी अपील डिसाइड करेगा कि भैया टीडीएस काटना है या नहीं और सीआईटी अपील में आप जाओगे लेकिन वो वाला फंक्शन अब इन्होंने हटा दिया अब इन्होंने हटा दिया अब इन्होंने इस साल एक नई सेक्शन डाली है दैट इज द सेक्शन नंबर टू थर्टी नाइन ए और ये सेक्शन क्या बोलती है समझना सेक्शन बोलती है रिफंड फॉर डिनाइंग लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन द सर्टेन केसेस अगर आपको आप टीडीएस है है वो काटना है, काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है उसके बाद आप एओ को एक एप्लीकेशन करोगे और बोलोगे कि टीडीएस नहीं काटना था जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही नहीं काटना था मैंने, मैंने जो टीडीएस काटा है उसका मुझे रिफंड दे दो करके ठीक है तो रिफंड आप क्लेम कर सकते हो अब उससे रिलेटेड यह सेक्शन डाली है तो समझना यहां सेक्शन में बोला क्या है वेयर अंडर एन अरेजमेंट इन राइटिंग टीडीएस ऑन एनी इनकम अदर देन इंटरेस्ट को छोड़कर अंडर सेक्शन अग्रीमेंट है और उस अग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट को जब भी आप पेमेंट करोगे टीडीएस की लाइबिलिटी आप बीयर करोगे आप जो है मीनस पेयर है वो पेयर है वो बॉर्न करने वाला है टीडीएस की लाइबिलिटी ऐसा अग्रीमेंट है नॉन रेजिडेंट के साथ में एंड सच पेयर पेड सच टैक्स टू द्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करा दिया लेकिन पेयर क्लेम दैट नो टैक्स वॉज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सच इनकम पेयर बोलता है कि टीडीएस काटना ही नहीं था उसके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं होने वाली है तो उस केस में पेयर को क्या करना पड़ेगा मे विद इन अ पीरियड ऑफ थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स जब आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा उसके थर्टी डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द असेसिंग ऑफिसर फॉर रिफंड ऑफ सच टैक्स इन द फॉर्म नंबर ट्वेंटी नाइन डी आप एओ को एक एप्लीकेशन करोगे थर्टी डेज के अंदर अंदर कि भैया मैंने जो टीडीएस जमा कराया प्लीज आप मुझे उसका रिफंड कर दीजिए तो कुल मिला के हो क्या रहा है यहां पर किसी नॉन रेसिडेंट के साथ में आपका अरेंजमेंट है पहले से अग्रीमेंट है और उसमें आपने यह लिखा हुआ है उसमें आपने ये लिखा हुआ है कि नॉन रेजिडेंट का जो भी टीडीएस रहेगा वो आप अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को भरने वाले हो आप अपनी पॉकेट से भरने वाले हो वो लिखा हुआ है अग्रीमेंट है आपके बीच में आपने क्या किया वो टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा दिया और उसके बाद आप ये क्लेम करते हो कि नहीं नहीं यार इस पे तो टीडीएस काटना ही नहीं था दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन ऑफ रेजिडेंट तो आप क्या कर सकते हो एओ को एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर ट्वेंटी डेज डेट ऑफ सच टैक्स को जमा कर दीजिए एप्लीकेशन कर दीजिए और एओ को अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया अब आगे जाके क्या होगा एओ शेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग अलाउ और रिजेक्ट देशन वो आपकी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है या हो सकता है वो रिजेक्ट भी कर सकता है

ऑर्डर शेल बी पास विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज देगा और ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर में या तो बोलेगा कि भैया आपकी एप्लीकेशन सही है आपको रिफंड मिलना चाहिए या फिर वो बोलेगा आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए और यहां पे फिर आप अगर एओ के ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप सीआईटी अपील में जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो सेक्शन क्या बोलती है देखिए सेक्शन ये यह ये बोलती है कि किसी नॉन रेजिडेंट को आपने पेमेंट किया है और उसका टीडीएस है उसमें उसके साथ अरेंजमेंट था कि आप अपनी पॉकेट से पे करोगे आपने गवर्नमेंट को पे कर दीजिए बट आप ये क्लेम कर रहे हो कि नहीं यार इसमें तो टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए था तो हमको हमारा टीडीएस वापस कर दो तो वापस करना है उसके लिए आप एक काम करिए पहले टीडीएस जमा करा लीजिए पहले फिर आप थर्टी डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन करिए एओ को और एओ को लगता है कि यस इसमें टीडीएस नहीं कटना चाहिए था तो फिर आपको उसका रिफंड मिल जाएगा अदरवाइज है फिर भैया वो ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा नहीं नहीं आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए सो दिस इज वन स्मॉल सेक्शन उसके बाद में एक और सेक्शन जो है जिसमें इस बार अमेंडमेंट हुआ है दैट इज द सेक्शन 206 ए बी 206 53 uh, सीसीए अब एक बात समझना ये सेक्शन लास्ट ईयर आ गई थी लेकिन इसमें इस बार एक अमेंडमेंट हुआ लास्ट ईयर ये सेक्शन क्या बोलती थी देखिए अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी जैसे मैं टीडीएस से टीडीएस से रिलेटेड ये पढ़ाऊंगा पहले यह टीसीएस पे भी है बट पहले टीडीएस के परस्पेक्टिव पढ़ाऊंगा एक बात बताइए जैसे आप पेयर हो और कोई पर्सन पेई है मीन पेयर जो कोई पेमेंट कर रहा है और पेई जिसको पेमेंट किया जा रहा है आपको मैंने बताया था पेई अपना पेन नंबर नहीं देता अगर पेई जो है वो अपना पेन नंबर नहीं देता तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटता है जो भी रेट रहेगी या फिर ट्वेंटी परसेंट विच एवर इज हायर रेट और ट्वेंटी परसेंट विच एवर लेकिन इसमें एक चीज समझना यहां ट्वेंटी परसेंट की जगह फाइव परसेंट हो जाता है अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर ओ एंड वन नाइनटी फोर क्यू अगर इतना सा याद है तो क्या वन नाइनटी फोर ओ एंड वन नाइनटी फोर क्यू में ट्वेंटी परसेंट की जगह फाइव परसेंट हो जाता है अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है टू जीरो सिक्स ए बी और टू जीरो सिक्स ए बी सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना ये जो सेक्शन है टू जीरो सिक्स ए बी सेक्शन बोलती है टू जीरो सिक्स ए बी जो सेक्शन है ये बोलती है कि अगर कोई पेयर है उसने पेई को पेमेंट किया बट पेई ने अपना लास्ट के टू इयर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है और वो दोनों साल की रिटर्न फाइलिंग की डेट जा चुकी है लास्ट ईयर तक ऐसा ही था के लास्ट के टू इयर्स का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है और लास्ट के टू इयर्स की रिटर्न फाइलिंग की डिडेट जा चुकी है और लास्ट के टू इयर्स में उसका 50,000 या उससे ज्यादा का टीडीएस टीसीएस डिडक्ट कलेक्ट हुआ था तो इस पर्टिकुलर ईयर में जो पेयर है वो टीडीएस काटेगा का कौन सी रेट से पता है ट्वाइस द रेट मीन रेट मल्टीप्लाई बाय टू और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर बेटा इस सेक्शन में जो बोला था ना कि लास्ट के टू इयर्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है उसको टू इयर्स को हटा के सिर्फ वन ईयर कर दिया है सिर्फ वन ईयर कर दिया है तो अब ये सेक्शन क्या हुई इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई भी पेयर है उसने पेई को कुछ पेमेंट कर रहा है या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहा है और इस पेई ने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट वन ईयर का और जिसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अवर करंट प्रीवियस ईयर और उस पर्टिकुलर ईयर में इसका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था या कलेक्ट हुआ था वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और मोर है तो इसका टीडीएस इस साल कौन सी रेट से काटना है पता है ट्वाइस द रेट और एवर इज हायर आई कैन टेक एग्जाम्पल तो सबसे पहले सपोज एक पेयर है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है हमारी कंपनी ने क्या किया कोई बंदा है जिसका नाम है राजेश और राजेश जो है वो हमारा एक पेई है मतलब जिसको हम पेमेंट करते हैं तो राजेश है वो राजेश है वो पे ही है राजेश को हम कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हैं सपोज कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस की रेट टू वन परसेंट है इंडिविजुअल है राजेश तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस की रेट वन परसेंट है लेकिन एक बात समझना ये जो राजेश है इसने लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है जिसके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गई है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द करंट प्रीवियस ईयर एक बात बताइए एग्जैक्टली लास्ट ईयर आप लेंगे तो तो प्रीवियस ईयर 21-22 आएगा बट 21-22 का तो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट विल बी थाउजेंड जुलाई 2022 ना भाई लास्ट ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट विल बी थर्टी जुलाई 2022 सो कैन आई से दैट इन स्टार्टिंग ऑफ करंट प्रीवियस ईयर इस ईयर का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट तो अभी आना बाकी है मतलब दैट इज द पेंडिंग ना रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट बिकॉज वी आर चेकिंग एज ऑन द फर्स्ट अप्रैल टू टू स्ट अप्रैल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू मीन्स कमेंसमेंट ऑफ अवर प्रीवियस ईयर सो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अवर प्रीवियस ईयर कैन आई से दैट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ दिस ईयर इज स्टिल पेंडिंग बट गाइज इससे पहले का प्रीवियस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन कैनआई से दैट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का रिटर्न फाइलिंग का वन थर्टी नाइन वन का ड्यू डेट जा चुका होगा आंसर इज यस तो आपको क्या देखना है कि राजेश जो है इसने प्रीवियस ईयर 2021 का रिटर्न फाइल नहीं किया है रिटर्न फाइल नहीं किया है एंड उस पर्टिकुलर ईयर में उसका जो टीडीएस है वो टीडीएस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज या उससे ज्यादा डिडक्ट हुआ था उस ईयर में मिस 2021 का रिटर्न फाइल नहीं किया है और उस ईयर में इसका जो टोटल टीडीएस या टीसीएस था वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज या उससे ज्यादा था तो करंट ईयर में बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड जो भी पेमेंट करेगी राजेश को वी विल डिडक्ट द टीडीएस एट द रेट ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट एवर इज हायर ट इज अ टीडीएस रेट तो वन परसेंट मल्टीप्लाई by ट्वाइस इट्स टू टू परसेंट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर कम्स टू द फाइव परसेंट तो हमको पांच परसेंट की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा लेकिन सपोज फॉर एन एक्साम्पल यहां पर इंस्टेड ऑफ द इंस्टेड ऑफ द लाइक कॉन्ट्रैक्ट सपोज इट वॉज अ प्रोफेशनल फीस एंड टेन परसेंट इज टीडीएस रेट इन केस ऑफ प्रोफेशनल फीस सो ट्वाइस द रेट विल बी द ट्वेंटी परसेंट और फाइव परसेंट हायर कम्स टू द ट्वेंटी परसेंट तो हम ट्वेंटी परसेंट के रेट से टीडीएस काटेंगे राजेश का यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस तो देखिये यहां पर क्या दे रखा है इनकेस ऑफ टी डी एस टीसीएस इट पे और कलेक्ट हैज नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लास्ट ईयर फॉर विच ड्यू डेट अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर द करंट प्रीवियस डिडक्टेड एंड टीडीएस टीसीएस कलेक्टेड इन दैट ईयर वॉज फिफ्टी थाउजेंड और मोर देन टीडीएस टीसीएस इन द करेंट इयर शैल बी एप्लीकेबल एट फॉलोइंग रेट दैट ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर ट्वाइस द रेट और फाइव परसेंट विच एवर इज हायर लेकिन बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी कुछ केसेस में कहाँ पे दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ टी डी एस अंडर सेक्शन टू सैलरी का या फिर वन नाइनटी टू एट इज ईपीएफ का या वन नाइनटी फोर बी एंड बी बी दैट इज रिलेटेड टू विनिंग वन नाइनटी फोर आई ए इज रिलेटेड टू द इमोवेबल प्रॉपर्टी एक्वाइर्ड वन नाइनटी फोर

नहीं लगती वन नाइंटी फोर जो मिक्स ऑफ सेक्शन था ना मिक्स ऑफ सेक्शन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ में कमीशन ब्रोकरेज था एंड उसके साथ प्रोफेशनल फीस अगर आप 50 लाख ,00 रुपए से ज्यादा किसी को पेमेंट करते हो इन ईयर तो 5 परसेंट से कटता था एंड एक बात बताओ 194 एम है 194 आईबी है एंड 194 आईए है ये तीन सेक्शन में तो आपको 10 नंबर ही नहीं लेना और टेन नंबर नहीं लेना और उसमें क्या होता है तीन सेक्शन में आप ट्वेंटी सिक्स क्यूबी क्यूसी क्यू डी फॉर्म फाइल करते हो करके ठीक है तो यहाँ पे टेन नंबर भी नहीं लेना तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि इस आगे वाले बंदे ने अपना रिटर्न फाइल किया है या नहीं अब आप आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा राजेश ने अपना रिटर्न फाइल किया है या नहीं तो इसमें क्या करना पड़ता है बड़ा सिंपल है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए आप अपना टेन नंबर डालिए उसके बाद आप आगे वाले का पेन नंबर डालिए आपको पता चल जाएगा उसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं क्या वो डिफॉल्टर है या नहीं अगर वो डिफॉल्टर है तो फिर आपको टीडीएस है वो इस रेट से काटना है ये सेम टीसीएस के लिए भी अप्लाई हो जाएगा करके ठीक है उसके बाद दिस सेक्शन ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट पे और in कलेक्टिव नॉट है तो उसके केस में ये लगेगा आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो क्या ये चेक करना है आंसर इज नो वो बेचारे के पास में उसने इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं किया किया उससे क्या फर्क पड़ता है, है तो उस केस में नहीं देखना एज वेल एज द अब ऐसा भी हो सकता है कि आगे वाले ने पेन नंबर ही नहीं दिया है तो पेन नंबर भी नहीं दिया और रिटर्न भी फाइल नहीं किया देखो पहली चीज तो ये दोनों सिचुएशन एक साथ में आना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि पेन नंबर नहीं दिया तो आप पेन नंबर नहीं है तो आप चेक कैसे करोगे उसने रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया बट यहां पे तो भी गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया कि हो सकता है कि आगे वाले ने पेन नंबर भी नहीं दिया और रिटर्न भी फाइल नहीं किया तो फिर कौन सी सेक्शन में टीडीएस कटेगा क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ पेन नंबर नहीं दिया तो 20 परसेंट और रेट विच एवर इज हायर वो लेंगे या फिर ये वाला लेंगे तो इन्होंने बोला जिसमें ज्यादा वाली रेट आती है वो वाली सेक्शन में टीडीएस कटेगा एंड बेटा इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर 2021 का आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं तो प्रीवियस ईयर 2021 का आप चेक करेंगे कि रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं करके ठीक है चलिए सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर अमेंडमेंट ऑफ द टीडीएस एंड टीसीएस बट ऑब्वियसली टीडीएस एंड टीसीएस का अब जो मेन अमेंडमेंट अपन सीखने वाले और वन नाइन आर यस पीपल चलिए तो हम चालू कर रहे हैं एक नई सेक्शन वन नाइनटी फोर आर करके फोर आर नई सेक्शन है इसी साल से आई है और ये जो सेक्शन है बहुत ही प्यारी सेक्शन है सेक्शन क्यों लाई उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा ये सेक्शन इसलिए लाई कि अगर आप किसी को कोई बेनिफिट दे रहे हैं परक्यूजिट दे रहे हैं और बेनिफिट परक्यूजिट दे रहे हैं वो पूरे साल का मिला के ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आगे वाले का टीडीएस काटना पड़ेगा आगे वाले का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा यह सेक्शन का औचित्य यह है जैसे आपने देखा होगा बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनियां है वो जैसे फ्री सैंपल्स दे देती है डॉक्टर को तो डॉक्टर को फ्री सैंपल्स दे दिए ये बेनिफिट दे दिया तो बेनिफिट दे दिया आपने परक्यूजिट दे दिया Arising due ड्यू टू business एंड प्रोफेशन करके और आप इसका खर्चा क्लेम कर रहे हो तो आपको उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा टेन परसेंट की रेट से या फिर जैसे हम हमारी बात करते हैं अगर मैं बीबी वर्चुअल की बात करूं तो कुछ वेंडर्स है जो हमारे प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी ने अच्छी सेल कर दी तो मैंने सोचा उसको मोबाइल दे देता हूं तो मैंने उसको अगर मोबाइल दे दिया तो भैया मोबाइल अगर मैंने दिया तो भैया मुझे उसका टेन परसेंट का टीडीएस काटना पड़ेगा सिंपल सी चीज ये है कि आप किसी को भी कोई भी बेनिफिट देते हैं या कोई भी परक्यूजिट देते हैं और वो आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा अब देखो बेनिफिट और परक्यूजिट वर्ड यूज किया है, उसमें क्या क्या आ सकता है क्या क्या आप सोच सकते हो क्या क्या सीबीडीटी सोच सकती है वो हम आज एनालाइज करेंगे आप सोचेंगे इतना कैसे सोच लेते हैं ये लोग आप लास्ट में जाके यही बोलने वाले कि इतना कैसे सोच लेते हैं ये लोग मतलब कुल मिला के आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी को भी कोई बेनिफिट दे रहे हो कोई भी परक्यूजिट दे रहे हो करके ठीक है बेनिफिट या परक्यूजिट दिया ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा का भले वो मनी में है या फिर मनी में नहीं है भले वो मनी में है करके ठीक है या फिर इनकाइंड आपको 10% की रेट से टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है 10% की रेट से टीडीएस काटना है और इसमें लिखा हुआ है जैसा विनिंग में था कि बिफोर रिलीजिंग दैट परक्यूजिट और बेनिफिट यू हैव टू एंश्योर दैट कि टैक्स इज पेड ऑन दैट परक्यूजिट और बेनिफिट टैक्स उस पर पे पे है तो ही भैया आपको क्या करना पड़ेगा तो ही आपको क्या अगर आपको उसका टैक्स जो बेनिफिट है वो बेनिफिट अगर जो है उस पर रिलीज तभी करोगे जब उस पर टीडीएस जा चुका है अदरवाइज आप बेनिफिट रिलीज नहीं करोगे जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं कि मान लो जैसे आपने देखा होगा बिजनेस में बहुत बार फॉरेन ट्रिप की टिकट मिल जाती है आप अगर किसी प्रो कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो उस टाइम पे क्या हुआ उसकी सेल बहुत अच्छी हुई आपको एक फ्लाइट की टिकट मिल गई तो फ्लाइट की टिकट मिल गई दैट इज कॉल्ड बेनिफिट और परक्यूजेट और ये बेनिफिट और परक्यूजेट पे इस सेक्शन में टीडीएस काटना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो यह सेक्शन वन आर है ये 194R आर सेक्शन इसी साल से ऐड हुई है बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2022। 1 फर्स्ट जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुई अब आप बोलोगे फर्स्ट जुलाई से एप्लीकेबल क्यों की भाई सेक्शन कोई भी नहीं आती है तो एप्लीकेबल करनी चाहिए थी बजट तो फेब में आ गया था तो बजट तो फेब में आ गया था तो हमको फर्स्ट अप्रैल से ही एप्लीकेबल करानी थी नफरत जुलाई से क्यों कराई देखो उनको टाइम लगता है सेक्शन को समझने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी टाइम लगता है सेक्शन को समझने में और उसके बाद में वो लोग एक गाइडलाइंस लेके आए और गाइडलाइंस के हिसाब से इन्होंने बताया कि सेक्शन का इंप्लीकेशन रियल मार्केट में कैसे आएगा जब आप क्रिप्टो वाला वीडियो देखोगे जो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है वो क्रिप्टो वाला जब वीडियो देखोगे उसमें जो सेक्शन आई है वन वो भी एक अलग ही रामायण है वो भी एक अलग ही तरीके का जो है वो शानदार वाली चीज वो लेके आए हैं टीडीएस में कि क्रिप्टो में कैसे टीडीएस कटेगा ये जो तुम्हारा वजीर एक्स और ये जो है ये कैसे टीडीएस काटेंगे वो आपको वहां पे होगा करके ठीक है चलिए रोहित थोड़ी देर रुक रुक जाइए सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी यहां पे तो देखिए सबसे पहली चीज वन आर वन नाइनटी फोर आर आर को आप कैसे याद रख सकते हो कि कुछ भी बेनिफिट परक्यूजिट आर से जोड़ो ना आर से आप बेनिफिट परक्यूजिट क्या जोड़ सकते हो आर आर से अगर कोई बेनिफिट परक्यूजिट क्या जोड़ सकते हो तो आर को कैसे याद रखोगे वन नाइनटी फोर आर जैसे याद रखना है आप रख लेना करके ठीक है चलिए तो वन नाइनटी फोर आर इज एडेड बाई द फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सर एक बात बताइए इसमें पेमेंट का नेचर क्या है तो आप दे रहे हैं एनी बेनिफिट दे रहे हैं या परक्यूजिट दे रहे हैं वेदर इट इज कन्वर्टेड इंटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन मिस बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से अगर कोई भी आप जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं बेनिफिट दे रहे हैं या परक्यूजिट दे रहे हैं वेदर इट इज कन्वर्टेड इंटू मनी और नॉट मिस ऐसा है जो हो सकता है कन्वर्टेड इंटू मनी है ही नहीं जैसे हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल करके ठीक है मैंने मान लो मेरे किसी वेंडर को चार दिन होटल में ट्रिप होटल की ट्रिप दे दी मेरे वेंडर को मैंने चार दिन के लिए होटल की ट्रिप दे दी कि चलो घूम के आओ अब वो जाके उस टिकट को एनकैश नहीं करा सकता वो कन्वर्टेड इनटू मनी नहीं है तो भी क्या टीडीएस आएगा आंसर इज यस yes, तो भी टीडीएस आएगा अब पेयर कौन होगा तो पेयर इज एनी पर्सन बीबी सर की वाइफ को छोड़ के पेयर इज एनी पर्सन बीबी सर की वाइफ को छोड़ के क्योंकि आपको पता है मैंने इसमें क्या बताया था रिया हाइजेक जो रिया को हाईजेक कर दिया था आपको पता रहेगा रिया को हाईजेक कर दिया था तो एच आई जे ए सी तो हम पढ़ चुके हैं रिया ये आ गई आपकी तो रिया ये आ गई करके ठीक है तो रिया को हाईजेक कर दिया तो तो यहां बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना इसका मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर ओवर करोड़ से ज्यादा था या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसेट फिफ्टी लैक से ज्यादा था तो देखो पेयर कौन है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ इंडिविजुअल मोर देन वन करोड़ इनकेसनेस और फिफ्टी लैक इन केस ऑफ प्रोफेशन किसको बेनिफिट दे रहे हो किसी रेजिडेंट पर्सन को दे रहे हो किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर आप परक्विट और बेनिफिट दे रहे हो तो उस पर आपको टेन परसेंट की रेट से टीडीएस है वो काटना पड़ेगा अब आप समझना एडिशनल पॉइंट एक एक, एक समझेंगे इस सेक्शन में आपको टीडीएस नहीं काटना इफ द बेनिफिट और प्रोवाइडेड टू अ सिंगल पर्सन इज अपू ट्वेंटी थाउजेंड इन अ प्रीवियस ईयर आप किसी को बेनिफिट दे रहे बीस हजार रुपए तक का ही है जैसे मान लो मैंने मेरे किसी वेंडर को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया करके ठीक है और वो पंद्रह हजार का है तो टीडीएस नहीं काटना लेकिन अगर वो पच्चीस हजार का है तो टीडीएस काटना पड़ेगा बिकॉज इट इज मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड अब एक बात समझना इफ द बेनिफिट और परक्यूजेट इज होल्ली इन काइंड आप जो दे रहे हो वो पूरा काइंड में मीन जैसे मोबाइल दे दिया और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश हो सकता है कुछ कैश दिया है, कुछ कुछ जो है वो आपको बेनिफिट दिया है एंड कैश बैलेंस इज नॉट सफिशियंट टू मीट द टीडीएस लाइबिलिटी देन क्या करना पड़ेगा द पेयर शेल रिलीज द बेनिफिट और परक्यूज ओनली आफ्टर एंश्योरिंग दैट टैक्स इज पेड ऑन सच बेनिफिट एंड परक्यूज बाय वे ऑफ कैसे उस पर जो वो एंश्योर कैसे करेगा करके ठीक है एंश्योर कैसे करेगा तो देखो एंश्योर करने के मैंने तीन तरीके बताए आप कैसे एंश्योर कर सकते हो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारी कंपनी है है जिसका नाम बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड अब हमारी कंपनी ने क्या किया हमारे किसी वेंडर को एक लाख का मोबाइल फोन दिया एक लाख का मोबाइल फोन दिया मान लो हमने किसी वेंडर को एक बेनिफिट दिया और वेंडर जो है उस वेंडर को एक लाख रुपए का आईफोन दे दिया अब एक लाख रुपए का आईफोन दिया किसी वेंडर को वेंडर का नाम है मान लो मिस्टर राज राज करके कोई बंदा है उसको हमने दिया अब राज को एक लाख रुपए का आईफोन दिया किसने बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ना तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ये आईफोन तभी देगी जब ये एंश्योर कर लेगी कि इस पर टैक्स जा चुका है उससे पहले ये आईफोन नहीं देगी अब ये कैसे कर सकते हैं दो चीजें कर सकते हैं करके ठीक है या तो हम राज को बोलेंगे कि राज बेटा एक काम कर ये एक लाख का बेनिफिट है इस पे दस हजार रुपए का टीडीएस आता है टेन थाउजेंड इज टी बिकॉज टेन परसेंट इज रेट इन दिस सेक्शन टेन परसेंट इज रेट तो टेन थाउजेंड हमको दे तो मोबाइल देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो टेन थाउजेंड हमको दे तो हम मोबाइल फोन देंगे अदरवाइज हम नहीं देंगे या फिर एक काम कर कि तू टेन थाउजेंड का एडवांस टैक्स भर तू टेन थाउजेंड का एडवांस टैक्स भर और एडवांस टैक्स भर के हमको चलान बता कि तूने दस हजार का एडवांस टैक्स भरा है तब हम तुझे मोबाइल देंगे अदरवाइज नहीं देंगे बट आप बोलोगे ये मार्केट में बड़ी खराब सी चीज हो जाएगी करके ठीक है ये मार्केट में आप एक आप लॉजिकली सोचिए आप एक लॉजिकली सोचिए जैसे हमारे साथ में शुभम सर पढ़ाते हैं बीबी वर्चुअल में करके ठीक है अब मैंने एक दिन मान लो शुभम सर को बोला कि शुभम सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे भी बहुत खुश है मैं आपको एक लाख का मोबाइल फोन देता हूं अब मैं आपको एक लाख का मोबाइल फोन है वो बीबी वर्चुअल ने उनको भेज दिया अब हम उनको ये बोलेंगे पहले दस हजार दो पहले पहले आप दस हजार दो फिर अपन बात करेंगे ठीक है पहले आप दस हजार दो या फिर हम ऐसा बोलेंगे करके ठीक है कि भैया एक काम करो पहले दस हजार का एडवांस टैक्स भर के हमको बताओ तब हम मोबाइल फोन आपको देंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रैक्टिस ये फॉलो होती है कि हम क्या करते हैं टैक्स हमारी जेब से भर देते हैं हमारी जेब से हम इस वन लाख पे टैक्स भरेंगे बट इस पे फिर हम क्या करेंगे ग्रॉस अप करेंगे बेनिफिट को अप करेंगे हम कैसे करेंगे कि भाई उनको बेनिफिट वन लाख दिया तो मैं क्या करूंगा मैं यह बोलूंगा कि भाई ये जो वन लाख रुपीज का जो मैंने बेनिफिट दिया है यह मैंने नाइन्टी परसेंट के लिए है तो हंड्रेड परसेंट के लिए कितना होगा मैं ये बोलूंगा कि वन लेख का आईफोन है और वन लेख का आईफोन है वो नाइनटी परसेंट के लिए है तो हंड्रेड परसेंट के लिए कितना होगा तो देखिए वन लैख डिवाइड बाय नाइनटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट इट्स कम्स टू द मैं ये बताऊंगा कि मैंने एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह इतने का बेनिफिट शुभम सर को दिया है और इसपे पे 10% की रेट से टीडीएस आएगा और वो टीडीएस आ जाएगा 11,000 11 11 11 और इतना मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराऊंगा इतना जो है वो मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराऊंगा ये मार्केट में प्रैक्टिस फॉलो हो रही है और यही होना चाहिए आप सोचिए यार आप बड़े लेवल पे हो आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हो कि यार तू पता पहले दस हजार दे तू पहले ठीक है मोबाइल चाहिए दस हजार दे पहले करके ठीक है या मान मान लो लो ऐसे बड़ी बड़ी लो बड़ी बड़ी कंपनियों में कंपनी अपने वेंडर्स को किसी को बेनिफिट दे रही है तो वो उसको ये थोड़ी बोल सकती है कि तू है ना यार पहले है ना एडवांस टैक्स भर के हमको बता पहले ठीक है बता के भरा है कि नहीं भरा उसके बाद ही हम देंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि फिर हम बोलते हैं एक काम करते हैं उनका टैक्स हमारी पॉकेट से भरे लेते हैं और हम इसको ग्रोसअप कर लेते हैं विनिंग में भी ऐसा ही होता है बहुत बार बट यहां पे तो नॉर्मली ऐसा होगा कि नॉर्मली आप ग्रॉसअप करके और भैया उसको दे दोगे तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे तो देखिए कैसे कौन से वे से ये इंश्योर करेंगे तो तीन पार्ट है पहला ही हैज कलेक्टेड द अमाउंट ऑफ इको वैलेंट टू टीडीएस अमाउंट फ्रॉम द पेई और या तो पेई से हम कलेक्ट कर लेंगे कितना दस हजार या फिर ही पेड द टीडीएस फ्रॉम ओन पॉकेट हम ओन पॉकेट से भर देंगे ये कितना ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह और पे टू मेक द पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑन हिज ओन बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड सबमिट द प्रूफ टू देयर हमको प्रूफ बता दे करके ठीक है हमको प्रूफ बता दे तो प्रूफ बता दे तब हम तुझे ये बेनिफिट रिलीज करेंगे अदरवाइज हम रिलीज नहीं करेंगे चलिए अब एक बात समझना एक सीबीडी टी की गाइडलाइंस आई अब सीबीडीटी ने ये गाइडलाइंस दी गाइडलाइंस देने के लिए उन्होंने टाइम लगाया क्यों? इसलिए ये सेक्शन जुलाई से एप्लीकेबल हुई क्योंकि इनको गाइडलाइंस देनी थी और गाइडलाइंस देने के लिए टाइम लगता है सोच समझ के सबसे रिव्यू लेके और फिर उन्होंने गाइडलाइंस दी और गाइडलाइंस भी बहुत ही शानदार वाली दी करके ठीक है आपको लगेगा अरे भाई साहब क्या ही गाइडलाइंस है मजा आएगा लेकिन देखो सबसे पहला एक एक क्लैरिफिकेशन एक 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 अब मैं आपको इसकी बता थो। वो थो भाई इतनी रखी है और बहुत ही प्यारी गाइडलाइंस मैंने एक एक चीज लेके मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके और सब चीजें है वो बनाई है थोड़े दिन बाद तो एग्जाम्पल कॉपी हो जाएंगे मार्केट में करके ठीक है बट भैया बहुत मेहनत करके एग्जाम्पल बनाए हैं तो देखिए चलिए सबसे पहला पहला पॉइंट पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक क्वेश्चन है तो हमको क्या यह चेक करना पड़ेगा कि वो बेनिफिट जो दे रहे हैं हम किसी को या जो हम परक्यूजिट दे रहे हैं वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं है क्या वो हमको चेक करना पड़ेगा या नहीं मिस मान लो हमने मेरे वेंडर को कोई बेनिफिट दिया या मैंने किसी को कोई परक्यूजिट दिया तो क्या मुझे ये चेक करना है या नहीं करना क्या आगे वाले के हाथ में ये टैक्सेबल है या नहीं तो ये लोग बोलते हैं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आप कुछ मत करिए आप किसी को बेनिफिट दे रहे हैं आप किसी को परक्यूजिट दे रहे हैं इन योर बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको भैया यहां पे टीडीएस काटना है आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है देर इज नो नीड टू चेक दैट कि वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको चेक नहीं करना तो देखिए पहला ए पेयर

अब एक बात बताओ मैंने किसी को कार गिफ्ट कर दी मैंने किसी को कार गिफ्ट कर दी अब वो आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वो देखना ही नहीं है करके ठीक है आपने दिया है आपको टीडीएस काटना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है वॉट एवर नेचर इज प्रोवाइडेड सो इवन कैपिटल नेचर बेनिफिट इज प्रोवाइडेड लाइक कार और लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा देन ऑल्सो टीडीएस इज एप्लीकेबल आपको टीडीएस काटना पड़ता अब है ना एक बहुत बड़ा डाउट यह आया कि सर किसी को सेल्स डिस्काउंट देते हैं या कैश डिस्काउंट देते हैं या रिबेट देते हैं सर ये कैश डिस्काउंट सेल डिस्काउंट ये भी तो एक बेनिफिट है ये भी तो परक्यूजिट है अब इस पर क्या टीडीएस काटना है यानी जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपको गुड्स बेच रहे थे वो पचास हजार का बेच रहे थे या मान लो पांच लाख का गुड्स बेच रहे थे अब पांच लाख का गुड्स है आपने बोला कैश डिस्काउंट दो बोला चलो आपको दस परसेंट डिस्काउंटी का पेमेंट किया और बिल फोर तो दिया बेनिफिट इस पर भी पचास हजार रुपए टी डी एस काटना पड़ेगा क्या क्या इस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा आंसर इज नो इस टीडीएस नहीं कटेगा नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती मार्केट में आप सोचिए अगर मान लो कैश डिस्काउंट है बल्क डिस्काउंट है करके ठीक है बल्क डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट है सेल्स डिस्काउंट है रिबेट्स है उस पर कैसे टीडीएस अगर आप उस पर टीडीएस की बात करोगे तो भाई साहब यहां तो गजब हो जाएगा आप कैसे हर वो कैसे चेक करेगा यार सेलर के लिए इंपॉसिबल हो जाएगी वो चीजें तो इन्होंने बोला उस पर टीडीएस आपको काटने की जरूरत नहीं है सेल्स डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है या रिबेट्स देते हो नो टीडीएस ऑन द सेल्स डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और रिबेट्स अलाउड टू द कस्टमर कस्टमर को अगर आप ये अलाउ करते हो तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा लेकिन एक क्वेश्चन ये आया कि सर बहुत बार क्या होता है ना आपने सुना होगा कि अगर आप दस प्रोडक्ट खरीदोगे तो दो प्रोडक्ट फ्री है ऐसा भी होता है आपने सुना होगा बहुत बार कि बहुत बार ऐसे ऑफर होते हैं कि अगर आप 10 प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको हम दो प्रोडक्ट फ्री दे देंगे दो प्रोडक्ट फ्री ले लो तो क्या दो प्रोडक्ट आपने फ्री दिए उसमें क्या उसको बेनिफिट या परक्यूज माना जाएगा या नहीं मीन आपने वापस से बोल रहा हूं मैं करके ठीक है वापस से बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना मेनी टाइम इट्स हैपन कि सपोज ऐसा ऑफर होता है ना कि आप इतने का माल खरीदो तो इतना आपको फ्री देंगे कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं इतने गुड्स पे इतना प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या उसको बेनिफिट परक्यूजेड माना जाएगा या नहीं इन्होंने बोला वो बेनिफिट परक्यूजेड तो है लेकिन उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इट इज ऑल्सो लाइक अ डिस्काउंट ये भी आपका डिस्काउंट की तरह ही माना जाएगा इस पर टीडीएस नहीं आएगा ऐसा उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया एंड इट इज पॉसिबल आपने देखा होगा बहुत बार जैसे मान लो टीवी का सेलर है सोनी सोनी जब रिटेलर को टीवी सेल करता है तो सोनी ने बोला कि आप एक काम करिए चलिए सोनी ने रिटेलर को बोला कि आप एक काम करिए अगर 10 टीवी लीजिए तो मैं आपको दो टीवी फ्री दे दूंगा दस टीवी लीजिए मैं आपको दो टीवी फ्री दे दूंगा बारह टीवी आपने लिए बट पैसा दस का ही दिया क्या उसमें दो टीवी का जो पैसा है उसको बेनिफिट परक्यूजिट माना जाएगा क्या इस सेक्शन में टीडीएस आएगा आंसर इज नो उस पर इस सेक्शन में टीडीएस नहीं आएगा टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन तो देखिए उसको मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में डाला है देखिए कोइनूर गार्मेंट शॉप हैविंग ऑन ऑफर टू बाय यूनिट टेन एंड गेट टू यूनिट फ्री आप दस यूनिट खरीदिए दो यूनिट आपको फ्री मिलेगी ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली प्राइस ऑफ इच यूनिट मान लो फिफ्टीन थाउजेंड है इन दिस केस द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलर वुड बी वन लैक फिफ्टी थाउजेंड ऑफ द ट्वेल्थ प्रोडक्ट इन दिस केस इट इज डिफिकल्ट फॉर सेलर टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द बेनिफिट और परक्यूजिट बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट पे उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है सेलर के लिए टीडीएस काटना सो नॉट एप्लीकेबल टीडीएस बट इन केस ऑफ फ्री सैंपल टीडीएस इज एप्लीकेबल अगर मान लो आपने किसी को फ्री सैंपल ही दे दिए अगर आपने किसी को फ्री सैंपल दे दिया फ्री में किसी को माल दे दिया तो टीडीएस आएगा तो टीडीएस आएगा फ्री सैंपल दिए तो टीडीएस आएगा बट बेटा इन दो केसेस में एक तो मैंने आपको क्या बोला कि सेल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिबेट वहां टीडीएस नहीं आएगा दूसरा अगर मान लो बाय टू गेट वन वाला है उसमें टीडीएस नहीं आएगा लेकिन टीडीएस कहां पे आएगा करके ठीक है तो इसको देखिए एक इन्होंने, नेक्स्ट क्लेरिफिकेशन टीडीएस इज रिक्वायर टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग इन केसेस में टीडीएस आएगा अंडर सेक्शन वन नाइंटी फोर आर कहां कहां पर पहला अगर आप किसी को इंसेंटिव देते हो इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ द कैश किसी को कैश इंसेंटिव आपने दिया या फिर काइंड में दिया जैसे किसी को कार दे दी किसी को टीवी दे दिया कंप्यूटर दे दिया गोल्ड कॉइन दे दिए मोबाइल फोन दे दिए एटसेट्रा एटसेट्रा अगर आपने इंसेंटिव दिया तो यहां पे बेटा टीडीएस आएगा अगर आपने किसी को इंसेंटिव दिया तो यहां पे टीडीएस आएगा जैसे मान लो आपका कोई बहुत अच्छा सेलर है उसको फोन दे दिया बहुत अच्छा अगर आपका कोई डीलर था उसको आपने कार दे दी करके ठीक है गोल्ड कॉइन दे दिए मोबाइल फोन दे दिए तो टीडीएस आएगा इस सेक्शन में दूसरा ट्रिप फॉर द रिसीपेंट एंड हिज और हर रिलेटिव अपॉन अचीविंग टारगेट अचीव कर दिया आपको, की टिप दे, दी, दे, दी, आपको टिप दे दी रिसीपेंट के लिए या बहुत बार उसके वगैरह के लिए जैसे मान लो कि तू तु और तुम्हारी बीवी दोनों घूम के आ जाइए तो इस पर टीडीएस आएगा दूसरा प्रोवाइड फ्री टिकेट ऑपन इवेंट किसी इवेंट के फ्री टिकट दे दी आपने किसी इवेंट के फ्री टिकट दे दिए तो उसमें टीडीएस आएगा फ्री टिकट दे दिए इवेंट के जैसे मान लो यहां पे मुंबई में नवरात्रि होती है और नवरात्रि में सबसे अच्छी नवरात्रि यहां पे हम लोग मानते हैं दैट इज द फाल्गुनी पाठक की तो फाल्गुनी पाठक की नवरात्रि होती है उसमें दस दिन का मान लो पास है वो जो है वो मान लो दस हजार का पास है टेन थाउजेंड का मैंने क्या किया किसी मेरे वेंडर को दस टिकट दे दिए इवेंट के तो मैंने फ्री टिकट मैंने पैसे दिए हैं हमारी कंपनी ने पैसे दिए बट उनको फ्री टिकट दे दिए तो क्या इसमें टीसीएस आएगा सॉरी टीडीएस आएगा आंसर इज यस ये परक्यूजेड बेनिफिट माना जाएगा या फिर आपने मेडिकसिन के सैंपल्स फ्री टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर को ये मेडिकल वाली जितनी कंपनियां है ये फ्री सैंपल देती है तो उसमें बेटा टीडीएस आएगा ये बेनिफिट या परक्यूजिट माना जाएगा करके ठीक है तो देखिए सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला करके ठीक है ये बोलता है हां चलो इधर देखो करके ठीक है तो देखिए इसमें टीडीएस आएगा इसमें टीडीएस आएगा बट ऊपर वाले दो केसेस में नहीं था एक तो बाय बाय वन गेट टू पे वाले पे नहीं बाय गेट टू वाले पे नहीं था और दूसरा तुम्हारा जो सेल्स डिस्काउंट कैश डिस्काउंट रिबेट है उस पर आपका नहीं आएगा अब एक बात समझना वैल्यू ऑन विच ही ऑलरेडी पेड द टैक्सेज एंड डेप्रीशियन कैन बी क्लेम ऑन द सच एफ एम बी अब एक बात बताओ जैसे मान लो आपने किसी को कार दे दी मैंने मैंने मान लो मेरे डीलर को कार दे दी करके ठीक है अब वो डीलर को कार दे दी

आय नहीं वो उसका लुकआउट है बट उसको बिजनेस में बताना चाहिए क्योंकि सेक्शन 28 बोलती है कि उसके बिजनेस की वजह से उसको कोई भी बेनिफिट परक्यूजिट मिलता है तो ये टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी होगा तो उसके लिए मोबाइल 1 लाख की वैल्यू है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी और फिर उसको वो बैलेंस शीट में बताएगा और उस पे वो डेप्रिसिएशन लेगा एग्जांपल के लिए मान लो शुभम सर है शुभम सर को हमने 1 लाख का आईफोन दिया तो जैसे ही हमने वन लेख का आईफोन दिया करके ठीक है जैसे ही हमने वन लेख का आईफोन दिया तो हम तो वन लैख पे टीडीएस काटेंगे अब वो क्या करेगा करके ठीक है रुक जा मिहिर वो क्या करेगा शुभम सर क्या करेंगे वन लेख को पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे और वन लेख को फिर बैलेंस शीट में बताएंगे और वन लैख पे वो क्या करेंगे डेप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हैं चलिए अब अपन बात करते हैं फ्री सैंपल की दैट इज सेल फ्री सैंपल्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स एक बात समझना अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो फ्री सैंपल्स देती है किसको डॉक्टर को या हॉस्पिटल्स को तो उसमें क्या होगा कैसे होगा कैसे टीडीएस कटेगा वो आप समझने की कोशिश करना मैंने यहां पे अलग अलग सिचुएशन बना के आपके लिए दिया है करके सबसे पहला मैंने सिप्ला का एग्जाम्पल लिया है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग जैसे सिप्ला क्या करता है सिप्ला लिमिटेड प्रोवाइडेड फ्री सैंपल वर्थ रूप फिफ्टी टू डॉक्टर बिन बिन करके एक डॉक्टर है भारतीय हॉस्पिटल मुंबई अब एक बात समझना यहां पे बेनिफिट कौन दे रहा है बेनिफिट दे रहा है सिप्ला तो सिप्ला जो है वो यहां पे आ गया और ये बेनिफिट किसको दे रहा है पता है बेनिफिट किसको दे रहा है मिस्टर बिन को दे रहा है मिस्टर बिन को दे रहा है बट बिन जो है वो बिन तो एम्प्लॉय किसका है भारतीय हॉस्पिटल का है एक बात बताओ एम्प्लॉय जो है वो भारतीय हॉस्पिटल का मीन वो भारतीय हॉस्पिटल में जॉब करता है बेचारा बिन बिन जो है वो भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है अब एक बात बताओ ये बिन को सिप्ला फ्री सैंपल क्यों दे रही है पता है क्योंकि ये भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है भाई एक बात बताओ इसके एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप की वजह से ही तो सिप्ला इसको दे रही होगी फ्री सैंपल नहीं तो थोड़ी ही देगी भाई बड़ा सिंपल सी चीज है कि बिन थोड़ी कोई ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर है अलग नहीं है वो क्या कर रहा है भारतीय हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है सिप्ला एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल और सिप्ला क्या कर रही है मिस्टर बिन को कुछ फ्री सैंपल दे रही है दवाइयों के फिफ्टी थाउजेंड के बट बिन क्या कर रहा है यहां भारतीय हॉस्पिटल में एंप्लॉय है तो यहां सीबीडीटी बोलती है कि आप जो है सिप्ला जो है वो बिन का टीडीएस नहीं काटेगी बिन का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं आप एक काम करिए भारतीय हॉस्पिटल का टीडीएस काटिए भारतीय हॉस्पिटल को आपने बेनिफिट दिया है कुल मिला के ये माना जाएगा कि आपने बेनिफिट भारतीय हॉस्पिटल को दिया है आप एक काम करिए भारतीय हॉस्पिटल का आप टीडीएस काटिए अंडर सेक्शन 194 कौन सी वाली आर 194 आर में 10% आप टीडीएस भारतीय हॉस्पिटल का काटिए अब भारतीय हॉस्पिटल क्या करेगी भैया भारतीय हॉस्पिटल की ये बिजनेस की इनकम हुई अब भारतीय हॉस्पिटल ने वही वाले फ्री सैंपल किसको दिए बिन को दिए कुल मिला के तो भारतीय हॉस्पिटल फिर उस पे 192 में टीडीएस काट सकती है ना उसको परक्यूजिट माना जाएगा एम्प्लॉय को कि भाई एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया एम्प्लॉय को परिट दिया एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया और जब एम्प्लॉय को परिट दिया करके ठीक है आपने किसको परक्यूजिट दिया एम्प्लॉय को परक्यूजिट दिया तो फिर भारतीय हॉस्पिटल मिस्टर बिन का 192 में टीडीएस काट सकती है अंडर द हेड सैलरी बिकॉज सैलरी में परक्ट पे टीडीएस कटता है तो देखो बड़ा सिंपल है सिप्ला है सिप्ला ने फ्री सैंपल दिए बिन को किसको दिए बिन को बिन कहां काम कर रहा है भारतीय हॉस्पिटल में अब बिन भारतीय हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो भैया यहां सिप्ला टीडीएस काटेगी भारतीय हॉस्पिटल का सिप्ला टीडीएस काटेगी भारतीय हॉस्पिटल का अंडर सेक्शन 194 आर और भारतीय हॉस्पिटल टीडीएस काटेगा बिन का अंडर सेक्शन वन करके यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो देखिए यहां फर्स्ट सिचुएशन में मैंने इसी को समझाया देखिए सिपला लिमिटेड प्रोवाइडेड फ्री सैंपल वर्थ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड टू मिस्टर बिन हुईज अम्प्लॉई ऑफ द भारतीय हॉस्पिटल मुंबई इन दिस केस बेनिफिट परक्यूज इट इज प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर ऑन अकाउंट ऑफ हिम बींग एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल भाई वो एम्प्लॉई है हॉस्पिटल का इसलिए उसको बेनिफिट दिया है सो सिप्ला रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आर ऑफ द हॉस्पिटल हॉस्पिटल में सब सिक्वेंटली ट्रीट दिस बेनिफिट और एक्ट दस अल्टीमेटली इट इज टैक्सेबल इन ऑफ डॉक्टर बिन तो डॉक्टर बिन के हाथ में वो सैलरी हेड में टैक्सीबल हो जाएगा करके यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस चलिए अब सिचुएशन नंबर टू पे चलते है सिचुएशन नंबर टू यह है कि अगर बिन जो है वो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं है वो कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट है करके ठीक है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इधर देखिए मिस वो एज अ कंसल्टेंट हॉस्पिटल में काम करता है जैसे दो घंटे जाता है प्रोफेशनल सर्विस देता है वो एम्प्लॉय नहीं है तो इसमें इन्होंने बोला सीबीडीटी में कि दो चीजें करो आप या तो एक काम कर कि सिपला जो है वो भारतीय हॉस्पिटल जो है उसको उसका ये मिस, मिस्टर बिन है ये कंसल्टेंट है कौन है कंसल्टेंट है अब एक बात समझना दो चीजें हो सकती है या तो सिपला ये मतलब प्रोफेशनल है एम्प्लॉय नहीं है हॉस्पिटल में एम्प्लॉय नहीं है डॉक्टर है वो एम्प्लॉय नहीं है डॉक्टर खुद का काम करता है बट कंसल्टेंट भी है भारतीय हॉस्पिटल में तो दो चीजें हो सकती है या तो सिपला भारतीय हॉस्पिटल का वन नाइनटी फोर आर ए टीडीएस काटे उस बेनिफिट पे और वही बेनिफिट पे भारतीय हॉस्पिटल मिस्टर बिन का वन आर में टीडीएस काटे तो या तो एक काम करिए सिप्ला भारतीय हॉस्पिटल का 194 नाइनटी फोर आर में टीडीएस काटेगी बेनिफिट पे और सेम पे क्या करेगा भारतीय हॉस्पिटल फिर मिस्टर बिन का 194 नाइनटी फोर आर में टीडीएस काटे या फिर ऑल्टरनेटिवली एक काम करो कि सिप्ला सीधा ही मिस्टर बिन का 194 नाइंटी फोर आर में टीडीएस काट ले सिप्ला डायरेक्टली मिस्टर बिन का वन नाइनटी फोर आर में टीडीएस काट ले बिकॉज मिस्टर आर इज अ प्रोफेशनल ही इज अ इंडिविजुअल प्रोफेशनल वो अपना प्रोफेशन कर रहा है सीधा वन नाइनटी फोर आर में है वो सिप्ला टीडीएस काट सकती है ऐसा सीबीडीटी ने बोला करके ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है प्री सैंपल ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर और हॉस्पिटल को कैसे अरे भैया ऐसा नहीं है बेनिफिट होता है फ्री सैंपल से फ्री सैंपल दिए उसकी वैल्यू क्या लेनी है अभी बताऊंगा बीस हजार से ज्यादा के दिए है बीस हजार से ज्यादा की वैल्यू अब वैल्यू आप ये बोलोगे वैल्यू कैसे कंसिडर करेंगे परक्यूजिट के लिए आएगा रुक जाकर के ठीक है अभी दे रखा है आगे मैंने देखिए तो क्या दे रखा है सिचुएशन नंबर टू सपोज इन अब इज अंसल्टेंट ऑफ हॉस्पिटल इंटेड ऑफ द एम्प्लॉई इन दिस केस सिप्लास अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आर ऑफ द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल विल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आर ऑफ द मिस्टर बिन ऑल्टरनेटिवली सीप्ला कैन डायरेक्टली डिडक्ट टीडीएस ऑफ मिस्टर बिन अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आर डायरेक्टली वन नाइनटी फोर आर का टीडीएस कौन काट सकती है हॉस्पिटल काट सकती है सॉरी uh, सिप्ला काट सकती है उसके बाद तीसरा सिचुएशन TDS under section 194R not apply if the benefit or perquisite is being provided to the government entity like government hospital not carrying on business and profession अगर मान लो government hospital में कोई sample दिए जाते हैं तो उनका TDS काटने की जरूरत नहीं है अगर government hospital में दिए जाते हैं तो उसका TDS काटने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना छट्टा example छट्टा clarification CBDT का सर एक बात बताओ आपने अगर कोई बेनिफिट दिया या परक्यूजिट दिया तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे कौन सी वैल्यू पे टीडीएस काटना है दो चीजें हो सकती है या तो भैया आप जो है उसको मार्केट से खरीद के और एज इट इज दे रहे हो मीन्स मार्केट से खरीदा और एज इट इज दे दिया एग्जाम्पल के लिए हमने शुभम सर को आईफोन दिया एक लाख का हमने मार्केट से खरीदा और वो एज इट इज हमने शुभम सर को दे दिया तो बेनिफिट की वैल्यू मानी जाएगी एक लाख वन लाख मानी जाएगी दूसरा अगर हम मान लो अगर हम मान लो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं हम मैन्युफैक्चरर हैं और हम मैन्युफैक्चर करके किसी को दे रहे हैं एज अ फ्री सैंपल एग्जांपल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी तो उसमें यह देखना पड़ेगा कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बाकी को कितने में बेचती है वो प्रोडक्ट बाकी को कितने में बेचती है वो ही वाली वैल्यू है वो परक्यूजिट के लिए कंसिडर होगी और उस पर टीडीएस कटेगा जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सिप्ला करके है, वो मार्केट में फॉर एन एग्जाम्पल दो सौ रुपए में बेचती है दस टेबलेट एक टैबलेट है वो बीस रुपए की है दस टैबलेट दो सौ रुपए में मार्केट में बेचती है दूसरों को अब इन्होंने क्या किया डॉक्टर को फ्री में दे दी किसी डॉक्टर को मान लो उन्होंने एक हजार टैबलेट है वो फ्री में दे दी तो यहां पे मल्टीप्लाई है बीस रुपया एक टैबलेट का तो बीस हजार रुपए का परक्यूजिट दिया जाएगा ये माना जाएगा और अगर मान लो ऊपर वाले दोनों केस में फॉल नहीं होता मतलब आप मार्केट से खरीद के नहीं दे रहे हो करके ठीक है या फिर आप मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रहे हो तो और अगर आप कोई जैसे हो सकता है पुराना कोई सामान पड़ा था वो आपने दे दिया तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है आज की आज की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो लेना पड़ेगा परक्यूजिट की वैल्यू और उस पर टीडीएस आएगा करके ठीक है तो देखिए क्या लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट सबसे पहला प्रोवाइडर हैज परचेज द बेनिफिट और परक्यूजिट बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द रिसिपेंट मतलब रिसिपेंट को प्रोवाइड करने से पहले आपने क्या किया है आपने परचेस किया है आपने क्या किया है आपने परचेस किया है तो परचेस प्राइस है वो आपकी क्या हो जाएगी जो परचेस प्राइस है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी दूसरा प्रोवाइडर मैन्युफेक्चर सच आइटम देन आप क्या लेंगे प्राइस दैट इट चार्ज टू इट्स कस्टमर फॉर सच आइटम भाई कस्टमर से कितना ले रहे हैं वो वो वैल्यू ले लो और अगर मान लो इन एनी अदर केस है तो आप एक काम करिए एफ एम वी ऑफ द बेनिफिट और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो आपको लेना पड़ेगा जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूशन ऑफ टीडीएस पर्पज टीडीएस पर्पज के लिए आपको जीएसटी कंसिडर नहीं करना है यह पहले वाला स्टैंडर्ड रूल है कि भैया जीएसटी कंसिडर नहीं करना जैसे मान लो वन लैख एटीन थाउजेंड का प्रोडक्ट की वैल्यू है हमने शुभम सर को दे दी हमको टीडीएस है वो वन लैख पे ही काटना है किसपे काटना है वन लैख अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सोशल मीडिया इन्फ्लुंसर अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आपको पता रहेगा बहुत सारी कंपनियां क्या करती है और या फिर यूट्यूब पे वो शोकेस करते हैं तो क्वेश्चन आता है क्या उसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा तो बड़ी सिंपल सी चीज है यहां मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जैसे मान लो सैमसंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने मोबाइल फोन बनाती है सैमसंग के मोबाइल फोन भी आते हैं वो मोबाइल फोन मान लो आशीष चंचलानी को दिया आशीष चंचलानी को आप जानते हैं जो यूट्यूब यूट्यूबर है करके ठीक है उसको दिया अब उसको दिया कि भैया आशीष तेरा जो वीडियो बनेगा उसमें तुझे फोन बताना है और बोलना मस्त मस्त फीचर आए ऐसा ऐसा बताना है करके ठीक है फोन की वैल्यू है मान लो फिफ्टी फोन की वैल्यू है फॉर एन एग्जाम्पल फिफ्टी करके ठीक है फिफ्टी फोन की वैल्यू है जस्ट एन एग्जाम्पल अब फिफ्टी फोन की वैल्यू है अब क्वेश्चन यहां पे यहाँ पे ये आया क्वेश्चन यहां ये आता है कि सर एक बात बताइए है है वो फोन की वैल्यू और आशीष चंचलानी को दिया और आशीष चंचलानी ने क्या किया उसको रिव्यू किया रिव्यू करने के लिए दिया करके ठीक है अब दो चीजें हो सकती है या तो वो आशीष चंचलानी खुद ही वो फोन को ले लेगा वापस आपको रिटर्न नहीं करेगा दूसरा चीज हो सकता है कि आपको वो रिटर्न करेगा अगर आपको रिटर्न कर दिया वो फोन उसने डिस्प्ले किया और उसके बाद उसने रिटर्न कर दिया तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेनिफिट नहीं है वो लेकिन अगर वो उसने गबन कर लिया उसने वो खा लिया फोन करके ठीक है खुद के पास ही रख लिया वापस दिया नहीं है तो टीडीएस काटना पड़ेगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा अब एक और चीज समझना यहां पर आई ये सेक्शन मैंने बोला फर्स्ट जुलाई टू से आई तो जब फर्स्ट जुलाई टू टू से आई तो इसके पहले जो बेनिफिट दे दिया उसका क्या तो इससे पहले बेनिफिट दे दिया उस पर टीडीएस नहीं आएगा इससे पहले जो बेनिफिट दिया उससे पहले जो बेनिफिट दिया ठीक है? इससे पहले जो बेनिफिट दिया उस पे ये नहीं लगेगी। जैसे 30 जून तक से की लिमिट कैलकुलेट करते आपने जो पहले बेनिफिट दिया ना उसको भी करना पड़ेगा मैंने क्या बोला देखो ये सेक्शन है इसमें 20,000 से ज्यादा तो ये सेक्शन लगती है और लिमिट है अप्रैल टू मार्च पहली चीज तो जून तक जो बेनिफिट दे दिया जो परक्यूजिट दे दिया उस पर टीडीएस नहीं आएगा जुलाई से जो बेनिफिट दोगे उस पर आएगा लेकिन जून से पहले जो बेनिफिट दिया था ना उसकी वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड की लिमिट में कंसिडर होगी मिस ट्वेंटी थाउजेंड की लिमिट चेक करने के लिए कंसिडर होगी

टू मिस्टर आशीष चंचलानी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फॉर एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के लिए दिया फर्दर ऑन 16 अक्टूबर अब ये सेक्शन आ चुकी है तो पहले तो सेक्शन थी नहीं 16 अक्टूबर 2022 मिस्टर आशीष वाज गिवन अनदर फोन कॉस्टिंग 18,000 अब एक बात बताओ पहले 16,000 दिया था और उसके बाद एक एटीन थाउजेंड का और दिया तो टोटल मिला के आप देखोगे तो सोलह और एटीन कितना हुआ 18 प्लस इट्स कम्स फोर थर्टी फोर 34 हुआ अब एक बात बताओ 20 का क्रॉस हो गया आंसर इज यस तो पूरे 34 पे टीडीएस कटना चाहिए आंसर इज यस लेकिन बेटा ये 16 वाला जो था ये तो आपने पहले दिया था ना सिक्सटीन वाला है ये तो थर्टीएथ जून तक बेनिफिट दिया था तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा अब सिर्फ एटीन थाउजेंड पे टेन परसेंट की रेट से टीडीएस आएगा एटीन थाउजेंड पे टेन परसेंट की रेट से टीडीएस आएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ इन दिस केस इफ द प्रोडक्ट्स आर रिटेन बाय द आशीष आशीष अगर रिटेन कर लेता है वो प्रोडक्ट को देन टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन वन आर एंड रिटर्न टू द सैमसंग आफ्टर मार्केटिंग मार्केटिंग करके सैमसंग को वापस रिटर्न कर देता है टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल एज इट्स नॉट द बेनिफिट ये बेनिफिट नहीं है इस पर टीडीएस नहीं लगेगा नेक्स्ट पार्ट अज्यूम प्रोडक्ट रिटर्न बाय आशीष प्रोडक्ट रिटर्न आशीष सिंस द टोटल बेनिफिट इज थर्टी फोर थाउजेंड इन अ प्रीवियस एक्सीडिंग ट्वेंटी थाउजेंड टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बट इन दिस केस टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन बेनिफिट प्रोवाइडेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो एटीन थाउजेंड पे टेन परसेंट की रेट से आपका एटीन हंड्रेड का बेनिफिट है एटीन हंड्रेड का TDS है वो आएगा तो 1800 का टीडीएस आएगा सिर्फ 18,000 पे टीडीएस आएगा जो कि फर्स्ट जुलाई के बाद बेनिफिट दिया है बट लिमिट 20,000 की देखते टाइम पूरे साल का बेनिफिट कितना है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा उसके बाद अब आगे आपके सीए वाले पॉइंट में एक बात बताइए आप जो ऑडिट करने जाते हो तो आपने बहुत बार ये देखा होगा ऑडिट करने जाते हो तो आपको होटल फैसिलिटी दी जाती है आपको जो है आपको होटल फैसिलिटी दी जाती है एज वेल एज द आपको क्या बोलते हैं इसको बहुत बार आपको क्लाइंट है वो ट्रेवलिंग का खर्चा भी देता है आपको सब वो बुक करके देता है ट्रेवलिंग का खर्चा होटल का खर्चा वो बुक करके देता देता है तो क्या ये परक्यूज माना जाएगा या नहीं अगर आप ऑडिट करने गए आप ऑडिटर हो और आपके क्लाइंट ने आपको ट्रेवलिंग का बेनिफिट दिया है आपके क्लाइंट ने अगर मान लो आपको होटल का बेनिफिट दिया है तो क्या होगा अब दो चीजें हैं बिल किसके नाम से यहां पे मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भाई यहां पे जो जरूरी चीज वो ये देखना पड़ेगा कि बिल किसके नाम पे है जो होटल देखो सिंपल सी बात है अगर मान लो आप कहीं पे गए थे होटल पे आप कहीं गए ऑडिट पे और जब आप ऑडिट पे गए और आपको मान लो ऑडिट पे गए और होटल में ठहराया और बिल उनके नाम पे है तो तो फिर आपको बेनिफिट नहीं दिया गया क्योंकि इट इज नॉर्मल ड्यूरिंग द बिजनेस ये तो बिजनेस का खर्चा है उनके ये तो उनके बिजनेस का खर्चा है ये तो उनके बिजनेस का खर्चा है अब एक बात समझना अगर बिल आपके नाम से है और पैसा उन्होंने दिया तो क्या होगा करके ठीक है तो समझते हैं आप इजीली समझ पाओगे डोंट वरी देखो एक एग्जांपल लिया है मैंने एक एबीएन एसोसिएट्स कोलकाता करके ऑडिटर ऑफ द बीबी लिमिटेड मुंबई तो मुंबई की एक बीबी लिमिटेड कंपनी है है एसोसिएट्स ऑडिटर कोलकाता के गोस टू क्लाइंट प्लेस फॉर द ऑडिट ऑन द ट्वेल्व इलेवन टू को यह ऑडिट पे आए ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस नॉट इनवॉइस क्लाइंट नेम मतलब यहां क्लाइंट के नाम से इनवॉइस नहीं किया हुआ क्लाइंट के नाम से इनवॉइस नहीं किया हुआ करके ठीक है नॉट इनवॉइड इन क्लाइंट नेम इनवॉइसिंग रूपीज थर्टी टू थाउजेंड आर पेड बाय द क्लाइंट अब एक बात समझो सिंपल सी चीज है ए बी एसोसिएट्स कोलकाता है ऑडिटर है बीबी लिमिटेड का करके ठीक है हमने एक बात समझना इन्होंने क्या किया जो इनवॉइस अगर हमारे नाम पे बना होता बीबी लिमिटेड के नाम पर बीबी लिमिटेड का इनवॉइस है और हमने पैसा दिया तो ये बेनिफिट उनको दिया हुआ नहीं माना जाएगा लेकिन एक बात समझना इनवॉइस है वो ऑडिटर के नाम है ऑडिटर के नाम पे इनवॉइस है और पैसा हमसे दिला रहा है वो यार पैसा जो है वो हमसे दिला रहा है पैसा हमसे दिला रहा है और बिल उसके नाम पे तो तो ये प्योर बेनिफिट हुआ ना तो तो ये बेनिफिट हुआ ना तो इसमें टीडीएस कटेगा तो इसमें टीडीएस कटेगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इन दिस केस बीबी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन वन ऑन का टीडीएस तो देखो बड़ा सिंपल है देखो आप ऑडिट करने गए बिल आप ही के नाम से सीएफएम के नाम से बिल है और पैसा कौन दे रहा है बेचारा वो दे रहा है क्लाइंट दे रहा है बिल सीएफ के नाम पे है और पैसा अगर क्लाइंट दे रहा है तो उसमें टीडीएस कटेगा लेकिन दूसरी चीज अगर there would have been no requirement of the TDS if the client had not borne the expenditure. अगर मान लो client ने खर्चा किया ही नहीं है तो तो भाई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं जैसे क्या होता है ना क्लाइंट ने खर्चा किया ही नहीं खर्चा आप ही का है करके ठीक है जैसे ऑडिट की फीस में जुड़ा होता है बहुत बार क्या होता है कि भैया आपका जो ट्रेवलिंग वगैरह है वो ऑडिट की फीस में जुड़ा होता है तो बहुत बार हो सकता है क्लाइंट ने पहले दे दिया बट आपने वापस री कर लिया क्लाइंट ने पहले दे दिया बट आपने वापस री कर दिया जैसे बिल आप ही के नाम था आप ऑडिटर हो मेरी मेरे यहां ऑडिट करने आए आप ऑडिटर हो आप मेरे यहां ऑडिट करने आए तो आपको मैंने पहले बोल रखा है कि भैया सब खर्चे आप ही के नाम पे आएंगे आप फिर क्या करोगे हमको ऑडिट फीस पे हम पे करेंगे तो एक बात बताओ आपने नहीं नहीं सर ठीक है बट अभी दे दो मैं आपको रीएमबर्स कर दूंगा तो जब आप रिएम कर रहे हो तो मैंने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया या दूसरा तो देखिए क्लाइंट हैज नॉट बोर्न द एक्सपेंडिचर तो तो सीधी सी बात है कोई बेनिफिट क्लाइंट ने दिया ही नहीं ऑडिटर को दूसरा इनवॉइस वॉज इन द द नेम ऑफ क्लाइंट एंड एक्सपेंसिस क्या होता है ना मान लो मेरा ऑडिटर है वो मुंबई आया तो ऑडिटर कोलकाता से मुंबई आया हमने उसके लिए होटल बुक कराई वो भाई ड्यूरिंग द बिजनेस हो रहा है ना ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है हमने कोई ऐसा उसको कोई बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं दिया है और बिल भी हमारे नाम पे हमारे नाम पे बिल है और हमने पैसा पे किया है तो उसमें टीडीएस नहीं आएगा टीडीएस मतलब कुल मिला के एक ही केस में आया एक ही केस में कौन से केस में आया करके ठीक है कि जब बिल है वो सीए के नाम पे है और पैसा आप दे रहे हो बिल है वो सीए के नाम पे है और पैसा आप दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस आएगा अदरवाइज अगर मान लो कोई खर्चा क्लाइंट ने नहीं किया तो टीडीएस नहीं आएगा और दूसरा अगर मान लो बिल क्लाइंट के नाम पे है और क्लाइंट है वही पैसा दे रहा है क्लाइंट है वही पैसा दे रहा है या री कर रहा है बहुत बार हो सकता है बिल हमारे नाम पे था बीबी वर्चुअल के नाम पे करके ठीक है बीबी -बी लिमिटेड के नाम पे और ऑडिटर ने बिल हमारे नाम पे बट एक बार पैसा ऑडिटर ने दे दिया हमने उसको री कर दिया तो इसमें कोई बेनिफिट दिया हुआ नहीं माना जाएगा तो बेनिफिट एक ही केस में होगा कब क्या ऑडिटर के नाम पर बिल है और पैसा हम दे रहे ऑडिटर के नाम पर बिल है और पैसा हम दे रहे होटल का बिल ऑडिटर के नाम पर और पैसा हम दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में बेनिफिट माना जाएगा अदरवाइज बेनिफिट नहीं माना जाएगा करके चलिए उसके बाद कुछ नोट्स भी है पहला इफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर दैट इज री एम्बर्समेंट आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वगैरह है वो तो आपके कंसिडरेशन का पार्ट होता है ऑडिट का एंड टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन फोर सी और भाई आप जब बिलिंग करोगे आपने उसमें, अपने बिल में डालते हो कि भैया ऑडिट का इतना हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना तो मैं क्या करूँगा पेमेंट करते टाइम मैं ऑलरेडी टीडीएस काटूंगा वन नाइन फोर जे में तो जब मैं वन नाइनटी फोर जे वन नाइन सी में टीडीएस काट रहा हूं तो अलग से फिर वापस मुझे कोई वन नाइन और आर में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है लास्ट क्लेरिफिकेशन इस पॉइंट का इफ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड एजेंट अगर कोई प्योर एजेंट है और वो प्योर एजेंट एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन एंड जीएसटी क्रेडिट ऑल्सो अवेलेबल बाई सच अदर पर्सन देन इट इज नॉट ट्रीटेडिट और टू दबा जीएसटी में होता है यहां पर लाया जीएसटी में आप इसको ज्यादा बेटर अंडस्टैंडिंग से समझ पाओगे प्योर एजेंट क्या होता है ना बहुत बार प्योर एजेंट मान लो हमारा एक प्योर एजेंट है प्योर एजेंट मतलब पूरा हमी पर डिपेंड है अब वो खर्चा कर रहा है वो खर्चा कर रहा है लेकिन बिल हमारे नाम पर है बिल जो है वो बिल मान लो प्योर एजेंट कर रहा है अदर पर्सन के पे एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन एंड जीएसटी क्रेडिट आल्सो अवेलेबल टू द अदर पर्सन जीएसटी क्रेडिट भी हम ले लेते हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि प्योर एजेंट को हमने बेनिफिट दिया यह होता है जीएसटी में कि अगर आपका प्योर एजेंट खर्चा कर रहा है इवन बिल हो सकता है प्योर एजेंट के नाम पे हो बट आपको उसका जीएसटी क्रेडिट मिलेगा तो यह नहीं माना जाएगा कि प्योर एजेंट को आपने कोई बेनिफिट दिया है करके ठीक है चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि सर एक बात बताइए अब एक और दिक्कत यह आ गई कि बहुत बार यह कंपनियां क्या करती है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिस करती है तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में आपने सुना होगा डीलर को बुलाया जाता है डीलर को बुलाया जाता है और डीलर को बुलाया जाता है अपने जो भी लोग है उनको बुलाया जाता है तो उसका कोई खर्चा होगा क्या वो भी परक्यूजेड बेनिफिट माना जाएगा या नहीं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल क्या करती है एप्पल जब मोबाइल को लॉन्च करती है तो वहां पर कुछ लोगों को बुलाती है जो एप्पल के रीसेलर है या जैसे मैं मेरी बात करता हूं हम भी बहुत बार फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं कि भाई हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हमारी सर्विसेज में करके ठीक है तो हम उनसे फीडबैक लेते हैं फ्रेंचाइजी मीटिंग होती है कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च होता है करके ठीक है तो ऐसे हम भी फ्रेंचाइजी मीटिंग करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्रेंचाइजी मीटिंग की उसमें उनको आए उनको एक दिन का होटल दिया रहने के लिए एक दिन का होटल दिया उसमें खाना भी दिया साथ में अगर उनको पिलाया भी करके ठीक है मान लो तो एक बात बताओ ये भी तो बेनिफिट बेनिफिटिड है ये भी तो बेनिफिट परक्यूजिट है करके ठीक है तो क्या इसपे ये बेनिफिट परक्यूजिट में आएगा या नहीं क्या उस पर टीडीएस कटेगा या नहीं मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टीडीएस कटेगा या नहीं जब आपने कॉन्फ्रेंसेस में अपने को डीलर को बुलाया कॉन्फ्रेंसेस में आप अपने डीटर को बुलाते हो रिटेलर को बुलाते हो बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें भी तो बेनिफिट दिया जा रहा है वो खाना खा रहा है करके ठीक है आप खर्चा तो आप कर रहे हो वो खाना खा रहा है तो उसको वो भी तो बेनिफिट दिया जा रहा है तो क्या उस उसपे आएगा या नहीं इन्होंने बोला उस पर नहीं लगेगी ये सेक्शन बट उसमें भी ऐसे ऐसे, ऐसे एक्सेप्शन डाले ना भाई साहब आपको लगेगा कि ये क्या है करके ठीक है देखिए कितना दिमाग लगाया होगा जिस जिस आईआरएस ऑफिसर ने बनाया होगा जिस आई ऑफिसर ने ये बनाया होगा उसने सोचो क्या क्या दिमाग लगाया होगा तो देखिए सबसे पहला सबसे पहले द द एक्सपेंडिचर टू डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर एज बेनिफिट और इन केस ऑफ कॉन्फ्रेंस हो किसके लिए रहा है अगर न्यू प्रोडक्ट बींग लॉन्च आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं ये वाली कॉन्फ्रेंस है चलेगा ठीक है या फिर डिस्कशन एज हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर्स यह डिस्कशन चल रहा है कि हम यह बता रहे कि हमारा प्रोडक्ट बाकी से अच्छा कैसे है हमारा प्रोडक्ट है वो बाकी से अच्छा कैसे है या फिर ऑप्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम डीलर और कस्टमर उनको बोलेंगे जो जो आएगा फटाफट ऑर्डर दो हमको एडवांस ऑर्डर दो या फिर टीचिंग सेल्स टेक्निक टू द डीलर एंड कस्टमर उनको टीचिंग कर रहे हैं सेल्स कैसे बढ़ानी एंड ऑल एड्रेसिंग क्वेरी ऑफ द डीलर एंड कस्टमर या फिर रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट विद द डीलर एंड कस्टमर करके ठीक है उनके साथ में उनका अकाउंट रिकंसिलेशन के लिए उनको बुलाया गया है तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है डीलर कॉन्फ्रेंस होती है तो भैया यह सेक्शन नहीं लगेगी वो आपका बेनिफिट या परक्यूजिट नहीं माना जाएगा लेकिन यहां पर भाई साहब एक और क्लैरिफिकेशन दिया इन द फॉलोइंग केसेज एक्सपेंडिचर ऑन द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस वुड बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट और बेनिफिट लेकिन कुछ केसेस में होगा कौन कौन से केसेस में पहला इफ एक्सपेंसिस एंड एट्रीब्यूटेबल टू द लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब अगर आप उनको कोई ऐसा प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं अब एक बात समझना आप प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं अगर प्लेजर ट्रिप दे रहे हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक बात बताइए डीलर जो है हम मुंबई में बुला सकते थे हम मुंबई में बुला सकते थे बट हमने सोचा कि नहीं मुंबई में क्यों हम रखेंगे हमारे कॉन्फ्रेंस रखेंगे स्विट्जरलैंड में जाके हम स्विट्जरलैंड में जाके और वहां पे ये करेंगे तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो कुछ ना कुछ आप ये बेनिफिट दे रहे हो कि चलिए आप घूमिए थोड़े दिन रिलैक्स करिए मजे करिए तो उसमें जितना प्लेजर ट्रिप वाला कंपोनेंट है उतना बेनिफिट माना जाएगा और उस पर टीडीएस आएगा फिर अब आप बोलोगे ये कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे करके ठीक है वो उसके लिए उन्होंने एक नोट दिया है बाद में करके उसके लिए उन्होंने एक नोट दिया है तो जैसे आपने प्लेजर ट्रिप दिया जैसे एग्जांपल के लिए मान लो थाईलैंड भेज दिया आपने थाईलैंड में आप क्या कर रहे हो बिजनेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जिंदगी में तुम्हारा बिजनेस थाईलैंड से लेना देना ही नहीं है थाईलैंड से बिजनेस का लेना देना नहीं है आप उनको थाईलैंड ले जा रहे हो बोले चलो थाईलैंड चलते हैं करके ठीक है और थाईलैंड चलते हैं और वहां पर जाके और हम जो है वो प्लेजर ट्रिप करते हैं तो भैया वहां जाके आप क्या कर रहे हो बिजनेस ट्रिप कर रहे हो डीलर बिजनेस जो क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने की वहां कहां जरूरत थी आप इंडिया में करते आपका हेड ऑफिस था वहां वहां करते अब वहाँ क्यों कर रहे हो? आप प्लेजर ट्रिप दे रहे हो हो आप ट्रिप दे तो इस पर्टिकुलर केस में जितना प्लेजर ट्रिप से रिलेटेड एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल है ना उस उसपे सेक्शन लगेगी उस उसपे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा जैसे आपने फ्लाइट का टिकट दिया तो वो एट्रीब्यूटेबल वाले अमाउंट है उस पर यह टीडीएस काटना पड़ेगा दूसरा एक्सपेंडिचर इंकड फॉर द फैमिली में पर्सन अटेंडिंग में बंदा जो है वो बीवी को लेकर आ रहा है अपने भाई को लेकर आ रहा है किसी और को लेकर आ रहा है गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा है आ ऐसा कैसे तो उसका एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है यह माना जाएगा कि आपने क्या दिया है यहां पर बेनिफिट दिया है यहां पर यह सेक्शन लगेगी तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट ऑफ द डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर द डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और अवर स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस मींस भैया जिस दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से करके ठीक है उस दिन के जितने पहले के दिन होंगे या जितने बाद के दिन होंगे उतने दिन रहने का जो खर्चा है वह माना जाएगा आपको बेनिफिट दिया है मतलब बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वो मान लो आपका 16 तारीख से है 16 तारीख को 16 नवंबर 2022 को बिजनेस कॉन्फ्रेंस है अब आप मान लो प्लेजर ट्रिप भी नहीं है ठीक है फॉरेन नहीं ले जा रहे हो आप प्लेजर ट्रिप नहीं दे ले जा रहे हो लेकिन आप जो है आप जो है अगर मान लो उनको रहने का दे रहे हो होटल और इसके पहले के दिन और इसके बाद के दिन वो जो है ना वो तो माना जाएगा आपने बेनिफिट दिया है अब है ना इसमें गवर्नमेंट को है ना गवर्नमेंट को लोगों ने बोला जब इन्होंने ये ये नोटिफिकेशन निकाला जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें बोला क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा आप क्या बोल रहे हो एक भी दिन पहले का नहीं एक भी दिन बाद का नहीं फिर गवर्नमेंट ने क्या किया इसको नोटिफिकेशन को अमेंड किया और अमेंड करके बोला कि चलो कोई बात नहीं एक दिन पहले का और एक दिन बाद का ये दो दिन को हम छोड़ देंगे उसके पहले ऐसा नहीं कि आप पांच पांच दिन तक रख रहे हो लोगों को वहां पे करके ठीक है पांच पांच दिन तक रख रहे हो तो तो फिर आप बेनिफिट दे रहे हो करके ठीक है तो देखिए यहां पे फिर इन्होंने हाउ एवर करके एक एक्सेप्शन डाला ये दूसरे नोटिफिकेशन में डाला गया फिर पहले नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिखा था कि बिजनेस जो कॉन्फ्रेंस है उस दिन का जो स्टे है उस दिन का स्टे चलेगा बट उसके पीछे और आगे वाले दिन के स्टेज है वो भैया सब बेनिफिट पर माने जाएंगे तो देखो फिर उन्होंने बोला ऐसा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या तो फिर इन्होंने यहां पे क्या किया एक क्लेरिफिकेशन दिया हाउ एवर अ डे इमीडिएटली प्रायर टू एक्चुअल स्टार्ट डेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्चुअल डेट एक्चुअल एंड डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर एज अ ओवर स्टे इसको ओवर स्टे नहीं मानेंगे इन्होंने फिर बोला कि चलो बिजनेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन है करके ठीक है उसका एक दिन पहले छोड़ देते हैं हम और उसका कंप्लीट होने के बाद एक दिन बाद का छोड़ देते हैं वो हम ओवर स्टे नहीं मानेंगे उसके बाद अगर मान लो आप ओवर स्टे अगर करवाते हो तो भैया उसको फिर बेनिफिट मानेंगे लेकिन इसमें एक बात समझना आगे दे रखा एक नोट नोट क्या बोलता है इट इज बेनिफिट और इट इज प्रोवाइडेड इन द ग्रुप एक्टिविटी इन अ मैनर दैट इट इज डिफिकल्टच सच बेनिफिटिट टूच पार्टिसिपेंट यूजिंग दिया या परिट दिया वो एज अ ग्रुप एक्टिविटी दिया है भैया वहां पर आपने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपने पचास डीलर को बुलाया है अब इसमें से क्या हो रहा है सबको मजे करवा रहे हो आप करके मान लो प्लेजर ट्रिप है उस पर आपने बुलाया तो सबको बेनिफिट तो दे रहे हो अब एक बात समझना क्वेश्चन यहां आता है अब इसमें से कोई दारू पीता है कोई नहीं पीता है मान लो दस, आपने बीस को बुलाया। अब बीस वेंडर को आपने बुलाया उसको प्लेजर ट्रिप दे रहे हो मजे करो कोई पार्टी कर रहा है कोई दारू पीता है कोई सस्ती पीता है कोई महंगी पीता है करके ठीक है कोई खाना ज्यादा खाता है कोई खाना कम खाता है ठीक है अब खर्चे तो सब आप ही कर रहे हो अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए वो कैसे पता करेंगे कि किस डीलर को कितना बेनिफिट दिया कैसे पता करेंगे क्योंकि यहां पे लिमिट जो देखोगे वो लिमिट तो आपको कैसे देखनी पड़ेगी भाई लिमिट आप देखोगे वो लिमिट तो ऐसे देखेंगे ना कि पर पर्टिकुलर डीलर को पर्सन को बीस हजार से ज्यादा का बेनिफिट दिया तो ही वहां पे टीडीएस आएगा तो कैसे पता चलेगा उसमें से हो सकता है कोई दारू पी रहा है कोई एकदम जोरदार दारू पी रहा है दो दिन में चार लाख की दारू पी गया एक दूसरा वाला बंदा जो है वो बेचारा पी नहीं रहा है करके ठीक है वो तो एकदम धार्मिक बंदा है अब उसके लिए तो उसको बेनिफिट तो कम मिला है तो क्वेश्चन यहां आता है ये कैसे पता कर ये तो ग्रुप एक्टिविटी है यार इसमें कैसे पता चलेगा तो इन्होंने बोला एक काम करो खुद की जेब से टीडीएस भर दो ठीक है खुद की जेब से आप टीडीएस है वो भर दो इन्होंने ऐसा बोला है देखिए क्या लिखा हुआ है इट इज क्लेरिफाई दैट द बेनिफिट परक्यूज इट इज प्रोवाइडेड इन द ग्रुप एक्टिविटी इन अ मैनर दैट इट इज डिफिकल्ट टू मैच सच बेनिफिट और परक्यूज टू ईच पार्टिसिपेंट पता नहीं कौन दारू पी रहा है कौन है विद रीजनेबल अलोकेशन की नहीं मिल रही है बेनिफिट परक्यूज प्रोवाइडर मे एट हिज ऑप्शन नॉट क्लेम द एक्सपेंसिस बोलाफिट परोवाइडर मतलब मैं जो प्रोवाइडर हूं मैं कौन हूं मैं प्रोवाइडर हूं समझना मैं बेनिफिट प्रोवाइडर हूं परक्यूजिट प्रोवाइडर मे एट हिज ऑप्शन नॉट क्लेम द एक्सपेंसिस रिप्रेजेंटिंग सच बेनिफिट परक्यूजिट एज डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर फॉर कैल्क्युलेटिंग हिज टोटल इनकम इफ यू डिसाइड टू ऑप सो ही विल नॉट बी रिक्वायर टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर आर एंड अदरवाइज ही विल नॉट बी ट्रीटेड एस अट डिफॉल्ट अंडर सेक्शन टू जीरो वन ऑफ द एक्ट देखो मैंने आपको बोला कि आप टीडीएस भर दो आपको टीडीएस भरने की जरूरत नहीं आप एक काम करिए इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए कि अगर मान लो

इंडिविजुअल को खर्चा अलोकेट करना पॉसिबल ही नहीं है तो आप एक काम करो कि आप ये ऑप्शन एक चूज कर सकते हो कि मैं ये खर्चा पीएनडल के डेबिट में डालूंगा ही नहीं मैं ये खर्चा पीएनडल के डेबिट में आप डालोगे ही नहीं आप पीएनडल के डेबिट में उसको क्लेम ही नहीं करोगे आप ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं यहां पे आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे बीबी वर्चुअल ने हमने क्या किया एक मान लो यहां मुंबई में पार्टी करने के लिए हमारे 20 डीलर को बुलाया पार्टी कराई वगैरह करके ठीक है हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम इस खर्चे को क्लेम नहीं करेंगे हमने पांच लाख का खर्चा किया हम इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करेंगे खत्म हमको फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है और ना ही हम असेसिएट डिफॉल्ट ट्रीट होंगे करके यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए उसके बाद में एक और पॉइंट पॉइंट नंबर इलेवन क्या बोलता है इन केस ऑफ द वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन बाय शेड्यूल बैंक अगर एक बात बताओ बैंक ने आपका लोन वेव कर दिया विजय माल्या का ठीक है या कोऑपरेटिव बैंक ने पी ने एनबीएफसी ने एसएफसी एफ पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म और असेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एस बेनिफिट और बेचारी वो कंपनी लोन माफ कर रही है और दूसरा बोल रहे उस पर टीडीएस भी काट लो एक बात समझो अब एक बात बताओ एक विजय माल्या का लोन माफ कर दिया विजय माल्या का फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे पांच करोड़ का लोन था बैंक ने माफ कर दिया तो आप बोलते आपने तो बेनिफिट पर क्यूजिट दिया है आपने बेनिफिट पर क्यूजिट दिया विजय मालिक को तो इस पर आप एक काम करो अब 10 परसेंट टी गवर्नमेंट को जमा कराओ अरे कहां से जमा कराएंगे यार कहां से जमा कराएंगे तो इन्होंने यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया कि देखिए क्या लिखा हुआ है इन केस ऑफ वेवर और सेटलमेंट ऑफ लोन बाय द शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पी और एनबीएफसी और एसएफसी और पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन द लॉन्ग टर्म लोन

tds under section 194 are not required in case of bonus share issued by the company to all the shareholder in case of the right share is wild and इन केस ऑफ राइट शेयर बाय वाइडली हेल्ड कंपनी टू ऑल शेयर होल्डर ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप फ्रॉम दिस सेक्शन अब देखो वहां तक सोच लिया कि आपने बोनस शेयर दिया किसी को तो वो भी तो आपने बेनिफिट दिया या फिर राइट right शेयर आपने दिए किसी वाइडली हेल्ड कंपनी ने तो वो भी तो बोनस वो भी तो बेनिफिट दिया बोले नहीं उसपे इसको इस स्कोप से बाहर रखा गया है दिस इज ऑल क्लेरिफिकेशन ऑन दिस चलिए तो टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक के अमेंडमेंट्स के बाद में अब अपन चालू करते हैं एक और टॉपिक और आज इसी अमेंडमेंट लेक्चर में इसको भी कंप्लीट कर देते हैं टैक्स ऑन वर्चुअल वर्चुअल डिजिटल डिजिटल तो आ जाइए आपकी बुक में टॉपिक नंबर थ्री बी करके दे रखा है अब अपन एक टॉपिक पे चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट इसी साल से आया है द वर्चुअल डिजिटल असेट

तो लॉ में सबसे पहले तो एक सेक्शन डाली गई जिस सेक्शन का नंबर है 115 BBH करके 115 BBH करके एक सेक्शन डाली गई और इस सेक्शन में यह लिखा कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल असेट अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर करने पे जो भी आपकी इनकम होगी उस पर आपको 30% परसेंट की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा आपको जो है वो 30% परसेंट की रेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो अगर आपने कोई भी वीडीए ट्रांसफर किया वर्चुअल डिजिटल ट्रांसफर किया उस पर जो भी आपको इनकम होगी उसपे आपको तीस की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मैंने क्या किया बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन खरीदा था दो लाख रुपए में दो लाख रुपए में मैंने बिटकॉइन खरीदा था और हुआ क्या वो बिटकॉइन को मैंने सेल कर दिया और सेल कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल मैंने तीन लाख रुपए में सेल कर दिया तो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर आप बोल रहे हो यहां पे मैंने परचेज किया था तो दो लाख में किया था उस टाइम मैंने क्या किया था ब्रोकरेज भी पे किया था और ब्रोकरेज था फॉर एन एग्जाम्पल चार हजार रुपए का और मैंने सेल किया उस टाइम पे भी कुछ ब्रोकरेज लगा और ब्रोकरेज जो यहां पे लगा वो सात हजार रुपए का लगा क्वेश्चन आता है कि सर आप बोल रहे हो कि यहां पे वीडियो को ट्रांसफर करने से जो भी इनकम होगी वो इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा तीस परसेंट की रेट से आंसर इज यस लेकिन इनकम निकालेंगे कैसे तो इनकम निकालने के लिए इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आप ले लीजिए तो सेलिंग प्राइस में मैं यहां पे लूंगा सेलिंग प्राइस है वो तीन लाख रुपया अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एक्सपेंडिचर जो इंकर किए हैं ब्रोकरेज के मैं सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लगा परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज लगा क्या ये खर्चे अलाउ होंगे आंसर इज नो यहां निर्मला सीतारमन जी बोलती है आपको कुछ भी खर्चा वर्चा अलाउ नहीं होगा यहां पे कोई भी खर्चा वगैरह अलाउ नहीं होगा सिर्फ यहां पे हम एक चीज लेस करने को मिलेगी दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ आपका कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन है वो आपको लेस करने को मिलेगा यहां ट्रांसफर एक्सपेंसेस वगैरह कहीं पे कुछ भी लेस नहीं होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेस करने को मिलेगा अब एक बात समझना यहां पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोला है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने को मिलेगा तो यहां पे एक अगर आप ब्रॉड व्यू लेना चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब भाई ब्रोकरेज जो था वो भी तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था जब एक्विजिशन के टाइम पे हमने खरीदा है एक्विजिशन के टाइम पे पे किया है, तो ये भी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला है इनकम जो, जो है वो आपकी थर्टी से टैक्सेबल हो जाएगी और उन्होंने बोला कि आपको कोई भी लेस करने को नहीं मिलेगा ये कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी लेस करने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीडीए मीन का जो कॉस्ट ऑफ पोजिशन था तो यहाँ पे ये व्यू आप ले सकते हो कि जो परचेज के टाइम पे खर्चा था वो तो लेस करने को मिलना चाहिए तो यहाँ पे जो परचेज के टाइम पे खर्चा था वो अगर आप लेस करते हो तो टू लैख फोर आप लेस कर दीजिए और 96000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा इस पे आपको 30 परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स भरना है अब एक बात समझना क्वेश्चन ही आता है ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी तो मैं बताऊं इसमें हेड के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है कुछ भी नहीं बोला हुआ कि कौन से हेड में टैक्सेबल होगी बेसिकली ये लोग जैसे गैम्बलिंग की इनकम पे टैक्स लगता है जैसे विनिंग की इनकम पे टैक्स लगता है वैसे ये टैक्स लगाना चाहते हैं तीस तो आप इसको नॉर्मली अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे आप नॉर्मली क्या करेंगे ये जो इनकम होगी उस उसपे अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे तो जैसे आपका नाइनटी का इनकम हुआ इस पर आप अदर सोर्सेज में ले जाइए और उसपे थर्टी परसेंट की रेट से आप टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करा

एनी अलाउंस इज नॉट अलाउड एनी सेटअप ऑफ लॉसेज इज नॉट अलाउड मीन इसके सामने कोई आप सेटअप नहीं कर सकते

तो expenses not allowed, तो आप अगर इसको expenses में वाला expenses समझ में वाला समझ आता है ये ये नहीं होगा बट ये तो चार हो सकता है ना ऐसा व्यू ले सकते हो तो इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये expenses की बात कर रहे या नहीं कर रहे तो यहाँ पे आप दो व्यू ले सकते हो या तो इनकम आप कितनी एक लाख बता दीजिए दूसरा नहीं तो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड बता दीजिए नॉर्मली मैं तो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड के ज्यादा पक्ष में हूँ फेवर में हूँ क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूड

लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज नॉट अलाउड टू सेट सेटअप अगेंस्ट एनी अदर इनकम एंड ऑल्सो एस कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सच लॉसेज भैया वीडीए का आपका जो लॉस है वर्चुअल डिजिटल असेट में अगर मान लो आपको लॉस हो गया जैसे फॉर एन एग्जांपल बिटकॉइन मैंने खरीदा था दो लाख में और मैंने जो भी वीडिय का लॉस है वर्चुअल डिजिटल ट्रांसफर करने से जो लॉस होगा उसको मैं किसी और इनकम से मेरे सेट ऑफ नहीं कर सकता ना तो इसको हाउस प्रॉपर्टी ना सैलरी ना लाइक पीजीबीपी वगैरह में किसी से इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता हूं करके ठीक है तो देखिए पहली चीज वीडियो को ट्रांसफर करने से जो भी आपका इनकम होगा वो इनकम आपका टैक्सेबल होगा एट द रेट थर्टी परसेंट इसके सामने किसी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा ना आपको इंडेक्सेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेस करने को मिलेगी करके ठीक है और अगर इसका लॉस हो जाता है तो किसी और इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते है करके चलिए उसके बाद सर आप बार बार वीडिये बोल रहे हैं वर्चुअल डिजिटल असेट बोल रहे हैं वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब होता क्या है वो तो बता दीजिए आप तो वर्चुअल डिजिटल असेट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यहां पे डेफिनेशन दे रखी है कि वर्चुअल डिजिटल बोलेंगे किसको? तो निर्मला जी ने बोला एनी इंफॉर्मेशन है या कोई कोड है या नंबर है या कोई टोकन है मिस कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है कोड है नंबर है टोकन है नॉट बींग इंडियन करेंसी और फॉरन करेंसी इंडियन करेंसी फॉरिन करेंसी को हम वीडियो नहीं मानेंगे और जो ये टोकन है इंफॉर्मेशन है नंबर है ये जो जनरेट किया है थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक मींस और अदरवाइज एंड कैन बी ट्रांसफर स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली मीन इसको जो जनरेट किया है वो जनरेट कैसे किया हुआ है आपके क्रिप्टोग्राफिक करके एक टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू जनरेट किया हुआ है अब आप बोलोगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है आप ये बता दीजिए गूगल पे बहुत डेटा पड़ा है आप उसके बारे में पढ़िए आप उसके बारे में वीडियो बन देखिए तो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफिक एक टेक्नोलॉजी है उस पर बेस है

समझ सकते हैं या फिर अगर कोई एन एफ का मतलब होता है नॉन फंजीबल टोकन एन है और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर अगर कोई नॉन फंजीबल टोकन है इसका मतलब है है इसको बोलते हैं में करके ठीक है? हाँ, ब्लाक्षें, ब्ला, ब्लाक्षें से अगर कोई भी वो इंफॉर्मेशन कोड है वो क्रिप्टोग्राफिक का मतलब होता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी करके ठीक है अब एक बात समझना है कॉन्सेप्ट आता है नॉन फंजिबल टोकन एन क्या होता है आप अगर एन फॉलो करते हैं फॉलो क्या होता है ना एन मतलब है, है इसका मतलब ओनरशिप ओनर सिद्ध करता है एन जैसे मैं एक एग्जाम्पल लू क्या हुआ क्या हमारे मजनू भाई ने एक पेंटिंग बनाई थी करके ठीक है मजनू भाई ने आपने जो मूवी देखा होगा वो मूवी में आपने देखा होगा कि मजनू भाई ने एक पेंटिंग बनाई थी और मजनू भाई ने जब वो पेंटिंग पेंटिंग बनाई उस पेंटिंग में उन्होंने वो पेंटिंग जो थी अब एक बात बताओ ये कैसे ओनरशिप पता चले कि मजनू भाई की पेंटिंग है तो मजनू भाई की पेंटिंग है ये कैसे पता चले तो मजनू भाई ने क्या किया पता है तुमको मान लो उसका एन क्रिएट कर लिया उसका एक एन बना दिया उसका एक टोकन बना दिया करके ठीक है उसका एक टोकन बना दिया और वो टोकन जो है ना वो फिर मार्केट में ट्रेडेड हो सकता है मिस वो टोकन अब जिसके पास जाएगा वो ये माना जाएगा उस पेंटिंग का ओनर है तो वो टोकन को आप खरीद सकते हो दैट इज योर एन तो टी का मतलब होता है इज टोकन कोई भी ऐसी चीज है जैसे पेंटिंग्स है करके ठीक है या कोई ऐसी कलेक्शन है तो उसका आप एक टोकन बना देते हो जैसे मान लो आपका सिग्नेचर आपके सिग्नेचर का भी आप टोकन बना सकते हो हो सकता है आपका सिग्नेचर लोगों को पसंद आ जाए और वो उसको खरीदना चाहे तो वो एन के थ्रू खरीद सकते हैं वो उनका राइट उस पर आ जाएगा कि भैया अब उसका जो ओनर है वो वो पर्सन

एन ये देखो यहाँ पे मिलेगा ट्विटर का जो फर्स्ट आ, ये कोई जैक डोर से करके जो बंदा था उसने कुछ ये बनाया था जिसको बोलते हैं उसका ये बंदा जो था जिसने ट्विटर स्टार्ट किया था आई थिंक राइट हाँ तो ये बंदा तो जा था इसने एन का जो फर्स्ट एवर ट्वीट था करके जिसको 2.9 मिलियन में पेड किया किसी ने खरीदा अब एक बात समझिए उसका जो फर्स्ट ट्वीट था उस ट्वीट की ओनरशिप किसी ने ले ली आप समझिए ये जो बंदा था ये जो बंदा था ये बंदा जो था जिसने ट्विटर स्टार्ट किया था और इसका नाम था जैक डोडसे करके ठीक है आई थिंक ट्विटर फाउंडर जिसने स्टार्ट किया था था तो इसका जो फर्स्ट ट्वीट था ना वो ट्वीट कितने में बिका उसका जो एन जो बिका था वो डॉलर मिलियन करके किसी ने पे किया था और उसने उतने में खरीदा था दिस इज कॉल एन मतलब अब उसकी उस ट्वीट की ओनरशिप उसके पास है आप समझिए लोगों के पास में मैं बताऊं ना कुछ कर दे पैसा बहुत है करके तो कुछ भी कर लेंगे तो उसकी जो उसकी ओनरशिप है वो है वो इस पर्टिकुलर पर्सन का जो फर्स्ट ट्वीट था फर्स्ट एवर ट्वीट जो है इसने ट्विटर पे किया था जब ट्विटर इसने लॉन्च किया तब उसकी एन बनाई और वो एन किसी को बेच दी अब बहुत सारे लोगों को चीजें हजम नहीं होगी कि क्या चीज है करके ठीक है बट जैसे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये देखिए ये देखिए ये उसकी ट्वीट था अब बोलोगे आप तो हमको तो ऐसे ही दिख रहा है हम तो ऐसे ही इसकी ओनरशिप ले लेते हैं करके ठीक है जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर दैट वाज द फर्स्ट ट्वीट जो 2006 में उसने किया था ये ट्वीट था और इस ट्वीट की जो एनएफटी है एनएफटी बनाएगी उसकी जो ओनरशिप है वो ओनरशिप किसी ने खरीदी और वो खरीदी वो कितने पैसे में खरीदी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो न्यूज आर्टिकल है ये तुम्हारी कोई फॉरेन की न्यूज की वेबसाइट है उससे ये न्यूज आर्टिकल मैंने लिया है दैट इज न्यूज डॉट आर्ट नेट डॉट कॉम करके एक कंपनी है उसका ये जो है ये न्यूज है करके ठीक है 2022 का न्यूज है अप्रैल 2000 अप्रैल 15 2022 का ये न्यूज है जो जिसमें एन एफ जो बिकी वो एनएफटी इतने पैसे में बिक गई करके ठीक है अब आप बोलोगे ये तो हमको तो दिख ही रहा है सर करके ठीक है अब आप बोलोगे ओनरशिप लेके करोगे क्या अब देखो दुनिया में चीजें क्या होती है ना ओनरशिप लेके करोगे क्या मतलब अब वो ट्वीट आपका है ना यार वो अब, अब आप ओनर हो उसके करोगे क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आप करोगे क्या अब एक बात बताओ आपको क्या अचार डालोगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आप एक बात बताओ बहुत बार घर पे कोई ऐसा लेके आ जाते हो सामान उसको करोगे क्या आप कोई पेंटिंग लेके आए मान लो आप कोई जाकिर हुसैन ने जाकिर हुसैन ही नाम था शायद हाँ तो उसने कोई पेंटिंग बनाई आप उसका लाके करोगे क्या अचार डालोगे उसका देखोगे उसको ठीक है निहारोगे तो ये बंदा भी निहारेगा उसको बाकी कुछ नहीं करके ठीक या है, अब उसका जो है ये तो उसको निहारेगा। हाँ बहुत सारी चीजें होती है ना ऐसी कि आप करोगे क्या अब वो तो आप पेंटिंग का क्या करोगे भाई एक बात बताओ आपने सुना कि एक पेंटिंग है वो दस करोड़ में बिकी वो दस करोड़ की उसकी कोई वैल्यू है आप डाउनलोड करके देख सकते हो उसको एक बात बताओ पेंटिंग जो है उसको डाउनलोड करके नहीं देख सकते जाकिर हुसैन की सब यहां पे पेंटिंग मिल जाएगी जो आपको पेंटिंग चाहिए वो मिल जाएगी लेकिन आप फिर वो पेंटिंग को खरीदो क्यों खरीदोगे आप करके ठीक है क्यों खरीदोगे ऑब्वियसली आपको उसकी ओनरशिप चाहिए तो कुल मिला के इस ट्वीट की ओनरशिप है वो इनके पास है करके ठीक है हम भी सोच रहे हैं एनएफटी करा देते हैं करके ठीक है किसी किसी चीजों का कॉम्पैक्ट का एनएफटी एफ टी करा देते हैं तो देखिए दिस इज कॉल योर इसको बोलते हैं आपका कहां पे थे अपन अपन थे यहां पे और अपन पढ़ रहे थे हक जमाने के लिए यस yes, हक जमाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है ना हक जमाने के लिए मेरे पास है मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना लोगों को मतलब क्या बोलते हैं शौक बड़ी चीज होती है किसी ने बोला सही बात है शौक बड़ी चीज होती है भाई आप बोलते हो ना ये मेरा है करके ठीक है मतलब बड़ी मतलब खुशी होती है ना ये चीज मेरी है करके ठीक है अब उससे करोगे क्या भाई उससे करोगे क्या ठीक है वो तो अब ऐसी चीजें हैं चलिए तो वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब क्या होगा तो वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब पहला तो बोला एनी इंफॉर्मेशन कोड नंबर टोकन कोई भी हो सकता है इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी को छोड़ दीजिए जो क्रिप्टोग्राफी जो है उससे आपने जनरेट किया है या फिर कोई नॉन फंजिएबल टोकन है एनएफटी है और एनी अदर टोकन ऑफ द सिमिलर नेचर या एनी अदर डिजिटल असेट आज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई गवर्नमेंट और भी नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट जो है वो और भी नोटिफाई कर सकती है चीजों को गवर्नमेंट है वो और भी नोटिफाई कर सकती है अब एक बात समझना आगे जाके क्लेरिफिकेशन दिया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया कि शेल नॉट इंक्लूड द दी मीन एन एफ टी में NFT एक नहीं आएगा। कौन सा वाला हुज ट्रांसफर ट्रांसफर रिजल्ट इन द ऑफ ऑफ ओनरशिप टेंजिबल अगर कोई टेंजिबल ट्रांसफर हो रही है और उसका एनएफ टी है एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सच अंडरलाइंग टेंजिबल इज अ लीगली एनफोर्सिबल वो लीगली एनफोर्सिबल है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको हम एन एफ टी नहीं मानेंगे जैसे मान लो फॉर एन एक्साम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने क्या किया मेरे घर का एन बना दिया मैं बना सकता हूं क्यों नहीं बना सकता मैं मेरे घर का एन बना दिया और एक एन एक टोकन बना दिया नेट पे डाल दिया करके बहुत सारी वेबसाइट है जहां एन ट्रेड होता है आपने किसी ने मेरा घर खरीद लिया तो फोटो नहीं खरीदा है वो घर खरीद रहा है

गिफ्ट कार्ड है गिफ्ट कार्ड है या वाउचर है बीइंग अ रिकॉर्ड दैट मे बी यूज टू ऑप्टेन द गुड्स और सर्विस और अ डिस्काउंट ऑन गुड्स और सर्विस जैसे अमेजोन के गिफ्ट वाउचर आते हैं दिवाली पे वगैरह अगर मान लो कोई गिफ्ट वगैरह अपने को को तो देता नहीं गरीब लोगों को कोई गिफ्ट बट मान लो जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे जब आप ऑफिस वगैरह जाना चालू करोगे तो जब आप कोई अच्छी फॉर्म ज्वाइन अच्छी कंपनी ज्वाइन तो दिवाली पे आपकी कंपनी है आपको एक अमेजोन का गिफ्ट कार्ड देगी और उसमें कुछ बैलेंस रहेगा या शॉपर स्टॉप का गिफ्ट कार्ड देगी और बोलेगी कि जाइए आप इससे मजे करिए घर ठीक है अब आपने वो गिफ्ट कार्ड है उसको रिडीम कर दिया और रिडीम किया तो उससे कपड़े खरीदे आपने कुछ चीजें खरीदी तो क्या गिफ्ट कार्ड या वाउचर है वो क्या डिजिटल वर्चुअल डिजिटल असेट है क्या क्या उसको वर्चुअल डिजिटल सेट माना जाएगा क्योंकि अमेजॉन ने किसी को बेचा वो गिफ्ट कार्ड और फिर उसके एम्प्लॉय ने आपको एम्प्लॉय को दे दिया तो क्या उसको वर्चुअल डिजिटल असेट मानेंगे आंसर इज नहीं उसको वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानेंगे करके ठीक है तो गिफ्ट कार्ड है या वाउचर है जो रिकॉर्ड दैट मे बी यूज टू ऑप्टेन द गुड्स और सर्विसेज और डिस्काउंट ऑन द गुड्स और सर्विसेज कहीं पे क्या होता है थर्टी परसेंट का वाउचर है फोर्टी परसेंट का वाउचर है तो गिफ्ट कार्ड या वाउचर है वो कोई वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं है क्योंकि बहुत बार क्या होता है टोकन होता है सिर्फ वो आपको पता है ऐसा नहीं है कि आपको कार्ड ही देंगे देर में भी पॉसिबिलिटी आपको एक नंबर मैसेज आ जा जाएगा और नंबर दे देंगे और बोलेंगे कि इससे आप ये रिडीम कर लीजिए तो ये गिफ्ट कार्ड जो है या वाउचर है वो कोई वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं है नेक्स्ट पार्ट जो माइलेज पॉइंट मिलते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं या लॉयल्टी कार्ड है बीइंग द रिकॉर्ड गिवन विदाउट डायरेक्ट मॉनेटरी कंसीडरेशन अंडर एन अवार्ड रिवॉर्ड बेनिफिट लॉयल्टी इंसेंटिव रिबेट और प्रमोशनल प्रोग्राम दैट मे बी यूज्ड और रिडीम्ड ओनली टू ऑप्टेन द गुड्स और सर्विसेज और अ डिस्काउंट ऑन गुड्स और सर्विसेज जो ये माइलेज पॉइंट होते हैं रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं लॉयल्टी कार्ड होते हैं करके ठीक है ये आपके कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है इसको अपन वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानेंगे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसका एमएक्स का अमेरिकन एक्सप्रेस का तो जितना भी मैं शॉपिंग करता हूं जितना भी मैं उसको यूज करता हूं उस पर मुझे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स तो हर जो है हर टाइम पे मुझे उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है अब उसका जब रिवॉर्ड्स पॉइंट इकट्ठा हो जाता है मान लो पचास हजार पॉइंट हो गया तो उसकी वैल्यू होती है तो पचास हजार में साढ़े बारह हजार पॉइंट हो गए तो साढ़े बारह हजार की रुपीज में वैल्यू होगी तो मैंने उससे कुछ भी गुड्स खरीद लिया मैंने उससे कुछ भी गुड्स खरीद लिया तो क्या वो एक वर्चुअल डिजिटल असेट था क्या उसको वर्चुअल डिजिटल असेट मानेंगे आंसर इज नो उसको वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानेंगे उसके साथ साथ सब्सक्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट और प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन अगर मान लो किसी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है किसी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का या एप्लीकेशन का तो वो कोई वीडीए नहीं है आपने वो सब्सक्रिप्शन लिया है वो सब्सक्रिप्शन लिया और फिर मान लो हो सकता है आपने सब्सक्रिप्शन किसी को बेच दिया तो वो कोई वर्चुअल डिजिटल असेट आपने नहीं बेचा है जैसे आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो मान लो आपने पांच साल के लिए ऐसा मिलता नहीं बट एग्जाम्पल ले रहा हूं पांच साल का सब्सक्रिप्शन है आपने सब्सक्रिप्शन किसी को बेच दिया तो उसमें कोई ये वर्चुअल वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानी जाएगी तो यहां उन्होंने तीन पॉइंट में क्लियरिफाई किया कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानी जाएगी एक तो गिफ्ट कार्ड वाउचर है आप ऐसे याद रखिए गिफ्ट कार्ड है वाउचर है माइलेज पॉइंट है, 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 है का, 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 वीडीए तो पे टैक्स कितना लगेगा जो इनकम होगी इनकम को ऐसे कैलकुलेट करना है कोई खर्चे को अलाउ नहीं करोगे सिर्फ कॉस्ट है वो आपका अलाउ होगा और आपको थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा कोई एक्सपेंडिचर कोई सेट ऑफ लॉसेस है वो आपको अलाउ नहीं होगा और इस

फर्स्ट जुलाई 2022 से ये सेक्शन लाई गई दैट इज द टीडीएस की कि यहां पे वर्चुअल डिजिटल असेट में जब ट्रांसफर होगा तो इसमें टीडीएस कटेगा और टीडीएस कौन काटेगा कैसे काटेगा बायर काटेगा सेलर काटेगा एक्सचेंज काटेगा कौन कैसे काटेगा वो अपन यहां पे समझने वाले हैं तो ये सेक्शन वन एस और ये सेक्शन फर्स्ट जुलाई से आई आप मुझे बोलोगे सर ये सेक्शन जो है टैक्सेबिलिटी तो फर्स्ट अप्रैल से आ रही है आंसर इज यस टैक्सेबिलिटी आपकी फर्स्ट अप्रैल से आ रही है बट टीडीएस है वो थर्टीएस जून तक नहीं कटेगा वर्चुअल डिजिटल असर जो क्रिप्टोज ट्रांसफर करोगे थर्टीएत जून तक जो ट्रांसफर होगा उस पर टीडीएस नहीं आएगा फर्स्ट जुलाई से टीडीएस की सेक्शन आई टीडीएस की सेक्शन को मोस्टली ये फर्स्ट जुलाई से इनफोर्स कराते हैं बहुत सारी सेक्शन को इसके पीछे का रीजन है इनको देखना पड़ता है इसके रिलेटेड गाइडलाइंस निकालनी पड़ती है जैसे इससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस निकाली है सीबीडीटी की और ये गाइडलाइंस के बेसिस पे गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस निकालने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है इसलिए वो क्या करते हैं अप्रैल से एप्लीकेबल नहीं कराते बहुत सारी टीडीएस की सेक्शन है वो फर्स्ट जुलाई से एप्लीकेबल कराते हैं अगर आपको याद रहेगा हमने टीडीएस टॉपिक में एक और सेक्शन पढ़ी थी दैट वाज 194 आर और 194 आर जो थी वो आर में क्या था कि अगर आप कोई बेनिफिट परक्यूजिड देते हो बेनिफिट परक्यूज देते और वो बीस हजार रुपए उससे ज्यादा का बेनिफिट परक्यूजिट जो फ्री सैंपल और डॉक्टर और उसकी से बात की थी आपको बोला था मैंने एक एग्जाम्पल बना के दो बहुत सारे लोगों ने दिया भी है और वो एग्जाम्पल को हमने लिया भी है इसमें करके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया भी है तो एक बात समझना वन आर जो सेक्शन थी वो भी आपकी फर्स्ट जुलाई दो से एप्लीकेबल थी वैसे ही ये वन एस सेक्शन है ये भी आपकी फर्स्ट जुलाई दो से एप्लीकेबल है करके चलिए फर्स्ट जुलाई 2022 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है सेक्शन बोलती है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एंड दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 2022 अब सेक्शन क्या बोलती है नेचर ऑफ पेमेंट क्या है कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द वीडीए मीन वर्चुअल डिजिटल असेट है वो आपने ट्रांसफर किया है उसका कंसिडरेशन कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द वीडीए कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द वीडीए पेयर कौन होगा सर पेयर कौन होगा एनी तो नॉर्मली टीडीएस कौन काटेगा बायर काटेगा तो बायर एनी पर्सन कोई भी बायर हो बट सेलर कौन है रेजिडेंट पर्सन मिस पेई कौन है रेजिडेंट पर्सन है अगर आप रेजिडेंट पर्सन को कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा और टीडीएस है वो तभी काटना है जब आपका वर्चुअल डिजिटल असेट ट्रांसफर हो रहा उसका है उसका कंसिडरेशन दस हजार से ज्यादा में से दस हजार तक कंसिडरेशन है तो टीडीएस नहीं काटना है दस हजार से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है और टीडीएस ऑफ का काटना वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन का काटना है जैसे मैं अगर मान लो एग्जाम्पल लू कि यहां पर मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर जो है वो हरी और एक पर्सन है दैट इज द मिस्टर राज अब क्या हुआ कि राज जो है वो मान लो कोई वर्चुअल डिजिटल असेट सेल कर रहा है कोई क्रिप्टो करेंसी है वो सेल कर रहा है हरी को तो हरी हो गया यहां पे बायर और बेटा राज हो गया यहां पे सेलर और मान लो वीडियो जो ट्रांसफर हुआ उसका कंसिडरेशन है पांच लाख रुपया पांच लाख रुपए में कंसिडरेशन है तो पांच लाख रुपए पे बेटा वन की रेट से टीडीएस काटना है यहाँ पे जो कंसिड्रेशन रहेगा ना उसपे वन परसेंट काटना है इनकम पे नहीं हो सकता उसकी इनकम कम होगी क्योंकि इनकम के लिए तो वो कॉस्ट वगैरह भी लेस करेगा तो यहाँ पे वन परसेंट की रेट से टीडीएस काटना है और कौन काटेगा बायर काटेगा किसका सेलर का

रुपए से ज़्यादा है, 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 अगर मान लो तो उस केस में TDS नहीं काटना। लेकिन एक और चीज़ समझना। यहां पे यह दस की की जो जो हो जाएगी कब? In a case, the being individual है। कोई इंडिविजुअल पेयर का मतलब हुआ बायर बायर क्योंकि बायर जब क्रिप्टो खरीदेगा तो बायर पेमेंट करेगा ना तो जो बायर है वो बायर इंडिविजुअल एच एंड बायर नॉट हैविंग एनी इनकम इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी पीजीबीपी या तो बायर का कोई का कोई ही नहीं है जैसे सैलरी एम्प्लॉय वगैरह है वो क्रिप्टो खरीद रहे हैं तो बायर जो है वो बायर का अगर कोई भी पीजीबीपी का इनकम नहीं है या फिर हैविंग द बिजनेस और प्रोफेशन बिजनेस प्रोफेशन है बट लास्ट ईयर का टर्न ओवर और ग्रॉस रिसिड नॉट एक्सेड वन करोड़ इनकेस ऑफ बिजनेस और फिफ्टी लैक इन केस ऑफ प्रोफेशन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टी डी एस ओनली इफ द कंसिडरेशन इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इन दिस केस पेयर इज नॉट रिक्वायर टू ऑप्टेन द टेन एज वेल एज द सेक्शन टू जीरो सिक्स ए बी शेल नॉट अपलाइड तो देखिए बेटा मैं क्या बोला वर्चुअल डिजिटल असेट जब भी ट्रांसफर होगा तो उस पर टीडीएस आएगा टीडीएस वर्ष फर्स्ट जुलाई 2022 से आएगा तो जब भी जो खरीदार रहेगा जो बायर रहेगा वो टीडीएस काटेगा क्योंकि पे कौन करेगा अमाउंट बायर करेगा तो बायर है वो अमाउंट को पे करेगा तो बायर टीडीएस काटेगा सेलर का बायर एनी पर्सन है सेलर जो है वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए कंसेट्रेशन दस से ज्यादा है वन की रेट से टीडीएस काटना है लेकिन जो बायर है ना जो पेयर जो पैसा दे रहा है उसका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है ही नहीं या फिर उसका बिजनेस प्रोफेशन है बट लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो वन करोड़ से ज्यादा नहीं है ग्रॉस एसेट फिफ्टी लैख से ज्यादा नहीं है मतलब बीबी सर की वाइफ है यहां पे, ठीक है जो कुछ भी मान लो नहीं करती तो यहां पे उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रॉस रेसेट है वो एक करोड़ पचास लाख से ज्यादा नहीं है तो उस केस में एक चीज तो लिमिट पचास हो जाएगी जो कंसिड्रेशन का लिमिट दस हजार है उसकी जगह पचास हजार हो जाएगा पचास हजार से ऊपर है तो ही टीडीएस काटना है अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना जैसे मैं बायर हूं मैंने चालीस हजार का क्रिप्टो खरीदा तो चालीस हजार का किसी से मैंने क्रिप्टो खरीदा उसको मैंने चालीस हजार का पेमेंट किया तो टीडीएस नहीं काटना अगर मैं इंडिविजुअल एच हूं और मेरा बिजनेस नहीं है या बिजनेस है बट लास्ट ईयर का टर्न ओवर अपू वन करोड़ या ग्रॉस रिसेट अपू फिफ्टी लैक है बट मान लो मेरा टर्न लास्ट ईयर का एक करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में भैया दस का लिमिट है वो लग जाएगा करके ठीक है एक और चीज समझना जो मेरी वाइफ बायर है जो

इन सेक्शन 194 एस दैट स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब यहां पे इंडिविजुअल एच से है इंडिविजुअल एच वो वाला इंडिविजुअल एच वो वाला जिसका बिजनेस प्रोफेशन है ही नहीं या लास्ट ईयर का टर्नओवर एक करोड़ से ज्यादा नहीं है ग्रॉस रिसेट पचास से ज्यादा नहीं है पर्सन दैट स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब यहां पर इंडिविजुअल एच से है इंडिविजुअल एच थ द स्टेटमेंट इन द फॉर्म नंबर ट्वेंटी करके आपको पता है मैंने आपको वहां पर कुछ ऐसे फॉर्म बताए थे तो ट्वेंटी सिक्स क्यू भी होता है वो वन नाइन फोर आई ए में लगता है एक ट्वेंटी सिक्स क्यू सी होता है जो आपका

कि नॉर्मली एनी पर्सन है पेयर इज एनी पर्सन टीडीएस काटना पड़ेगा दस हजार से ज्यादा का consideration है तो और पे किसको पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट रेजिडेंट पर्सन को को अगर आप किसी नॉन पेमेंट कर रहे हो तो उसका टीडीएस नहीं काटना जैसे मैं क्रिप्टो खरीद रहा हूं किसी जैक से जैक करके कोई बंदा है और वो बंदा रशिया का है उससे मैं क्रिप्टो खरीद रहा हूं उसका मुझे टीडीएस नहीं काटना अगर किसी लेकिन जैक अगर मान लो इंडिया में बैठे किसी पर्सन से खरीद रहा है तो क्या उसको टीडीएस काटना पड़ेगा आंसर इज यस जैक अगर खरीद रहा है वो इंडिया के पर्सन से खरीद रहा है तो यहां पे रेजिडेंट हो गया ना तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा वन

और मैंने उसको बाइक दे दी तो भैया यहां पे कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो मैं कैसे टीडीएस काटू मैं इसको कैसे टीडीएस काटू तो जो कंसिडरेशन की वैल्यू रहेगी मैं उसको क्या बोलूंगा कि भैया इतना या तो तू टैक्स गवर्नमेंट को भर के आ जा एडवांस टैक्स का मुझे स्लिप दे दे एडवांस टैक्स का मुझे स्लिप दे दे कि तूने उसने टैक्स भर दिया उसके बाद ही मैं तुझे ये क्रिप्टो रिलीज करूंगा मीस बाइक रिलीज करूंगा बाइक मैं उसके बाद ही रिलीज करूंगा उससे पहले नहीं करूंगा या फिर मैं बोलूंगा तू उतना पैसा मुझे दे दे और मैं गवर्नमेंट को जाके भेज दे भर देता हूं ये आपका पता है विनिंग जब मैंने पढ़ाया था ना उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो किसी को कार खुल गई तो कार कंसिडरेशन में दे

मैंने किसी से बिटकॉइन लिए और मैंने उसको डॉज कॉइन दे दिया करके आजकल आपने सुना होगा डॉज कॉइन करके है जिसको एलोन मस्क ने बहुत ज्यादा लाइक like, हाइप बनाया था एक बार डॉज कॉइन है उसके साथ साथ में आप देखोगे जैसे मान लो एथेरियम है एथेरियम के साथ में रिपल है तो ये सब कॉइन्स के नाम है ये अलग अलग क्रिप्टोज के नाम है सो देयर में पॉसिबिलिटी आपने एक क्रिप्टो के बदले दूसरी क्रिप्टो दे दी तो उसमें क्या होगा जो कंसिडरेशन होगा ना वो कंसिडरेशन की वैल्यू का टैक्स पहले आप जमा करो उसके बाद ही आप कंसिडरेशन रिलीज करोगे उससे पहले रिलीज नहीं करोगे बहुत सारे जो मेरे जैसे हैं, जो ना समझ लोग उनके लिए तो क्रिप्टो अभी भी एक पहेली है करके ठीक है, क्यों पता नहीं ये पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद किसी ने बोला, आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो बिल्कुल नहीं करके बिल्कुल नहीं हाँ कर रखा है ऐसे चालीस पचास हजार रुपये डाल रखा है सिर्फ ये देखने के लिए कैसा है क्या है उसके बाद ए प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन ओ एंड वन एस बोथ अप्लाई देन टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन वन एस अब एक बात समझना वन नाइन्टी ओ क्या होता है ऑनलाइन वाला 194O जो है वो आपका ऑनलाइन वाला पार्ट है ऑनलाइन वाली सेक्शन आपको याद है वो मैंने आपको बताया था कि अमेजोन वगैरह है उस पर सेल होता है तो उसमें ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को वो पेमेंट करते हैं तो हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन में वन ओ और वन ये दोनों सेक्शन लग जाए तो आप वन में टीडीएस काटेंगे वन ओ में टीडीएस है वो आप नहीं काटेंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में यहां Cbdt की गाइडलाइंस आई अब एक बात समझिए Cbdt की गाइडलाइंस जो आई थी ना वो तो बड़ी ही दिक्कत वाली है बड़ी डिफिकल्ट गाइडलाइंस है समझाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी तो मैंने ट्राई किया है उसको ईजी बनाने का क्योंकि अगर आप वॉल्यूम देखेंगे अपना जो वीडिय टॉपिक मैंने डाल रखा है आपके पास जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट रहेंगे तो उसमें टॉपिक आपको दिखेगा उसमें अगर आप देखेंगे तो गाइडलाइंस को आज इट इज मैंने डाला हुआ है वो समझ में ही नहीं आएगा तो मैंने काफी ट्राई करके इसको ईजी बनाने की कोशिश की है और ईजी जो है वो ईजी वाला बनाने की कोशिश की है करके ठीक है हाँ तो देखिए सीबीटीटी की कुछ गाइडलाइंस आई और गाइडलाइंस क्या बोलती है कि टीडीएस एप्लीकेबल ऑन कंसिडरेशन बट एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड कमीशन इन्होंने बोला कि टीडीएस जो काटना है ना वो जीएसटी और कमीशन को छोड़ के बाकी वाले पार्ट पे काटना है जीएसटी और कमीशन को छोड़ के बाकी वाले पार्ट पे काटना है ऐसा सीबीडीटी बोलती है जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं फॉर एन एग्जाम्पल होता क्या है एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये बायर है और ये सेलर है अब ये सेलर क्या कर रहा है मान लो इस वीडीए बायर को सेल कर रहा है बायर को सेल कर रहा है ठीक है बायर को सेल कर रहा है उसमें सेलर है वो मान लो उसका कंसिडरेशन है वो पांच लाख है उस पांच लाख पे कुछ जीएसटी भी है मान लो अस्सी हजार का उस पर कुछ कमीशन भी लिया है सेलर ने मान लो दस हजार का तो कुल मिला के यहां पर फाइव लैख नाइनटी थाउजेंड का पेमेंट हुआ है टीडीएस कितने पे आएगा सिर्फ फाइव लैक पे या फाइव नाइनटी पे सीबीडीटी बोलती है यहां यहां पे टीडीएस टीडीएस जो है यहां TDS है वो फाइव लैक पे लेना है पे नहीं लेना तो जो भी जीएसटी कंपोनेंट है देखो टीडीएस में तो ऐसे भी भी जीएसटी कंपोनेंट पे अपन कभी टीडीएस नहीं काटते तो कंसिडरेशन में अगर जीएसटी भी है या कमीशन भी है तो वो कमीशन है या फिर आपका जो क्या बोलते हैं कमीशन है या जीएसटी है उस पर टीडीएस आपको नहीं काटना है ये पहला क्लेरिफिकेशन है दूसरा दूसरा क्लेरिफिकेशन यह है कि इफ ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट इज मेड यूजिंग द पेमेंट गेटवे देन पेमेंट गेटवे नॉट रिक्वायर टू तो डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन वन नाइन फोर एस जैसे आपने किसी से क्रिप्टो खरीदी कोई सेलर है कोई बायर है किसी वेबसाइट से खरीदी वेबसाइट सेलर है तो उसका अगर आप टीडीएस काटोगे लेकिन उस टाइम पेमेंट हुआ तब एक पेमेंट गेटवे यूज हो गया ये सेम वैसी बात हो गई जैसा टीडीएस में मैंने एक जगह बताया था कि सीसी एवेन्यू का पेमेंट गेटवे यूज हो गया तो उसमें क्या सीसी एवेन्यू है उसने भी तो ऐसा कोई काम पेमेंट वगैरह लिया तो क्या सीसी एवेन्यू जो पेमेंट गेटवे है उसको कोई टीडीएस काटना पड़ेगा का? क्या आंसर इज नो पेमेंट गेटवे पे कुछ नहीं यहां बायर और सेलर टीडीएस काटेंगे पेमेंट गेटवे कंपनी का यहां पर कोई भी रोल नहीं है करके ठीक है उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है एक और चीज सेक्शन 194 क्यू नॉट एप्लीकेबल व्हेन टीडीएस अंडर सेक्शन 194 एस एज एप्लीकेबल 194 क्यू क्या होता है बताए है? कि अगर आप किसी से 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदते हो जब आप 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीदते हो तो 194 क्यू में आपका 0.1 परसेंट की रेट से टीडीएस करता है इन एक्सेस ऑफ पचास लाख तो एक डाउट ये था कि क्रिप्टो जो है क्या ये गुड्स है या नहीं है तो इन्होंने क्लियरिफाई किया इस सीबीटीटी में कि गुड्स है या नहीं वो गोस टू बाय ऑयल वो तेल लेने गया उससे मतलब नहीं है 194 क्यू में टीडीएस नहीं काटना है अगर 194 एस में कट रहा है 194 एस में टीडीएस कट रहा है तो 194 क्यू में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है ये क्लियर किया एंड बड़ा लॉजिकल भी है क्योंकि वन एस में आपकी वन रेट है रेट है और दस हजार से ऊपर है तो आपको सीधा टीडीएस काटना है और वन नाइनटी फोर क्यू में एक तो रेट भी पॉइंट वन परसेंट है और दूसरी चीज वहां पचास लाख के ऊपर वाले पे एक्सेस वाले पे टीडीएस कटता है इसके लिए भैया यहां पे आपका जो टीडीएस है वो आपको वन नाइनटी फोर एस में टीडीएस कटेगा वन नाइनटी फोर क्यू नहीं आएगा उसके बाद उट साइडेंजन बायर रिक्वायर टू डिटीएस की बात ही नहीं की एक्सचेंज की बात अभी मैं आगे चालू करूंगा तो एग्जाम्पल ले रहा हूं एक किसी और का ले रहा हूं हरी और राज तो यह तो बायर सेलर यह आउटसाइडेंज है लेकिन अगर मान लो एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या होगा उसको लेके सीबीडी ने बताया अब आप मुझे बोलोगे एक्सचेंज क्या होता है तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है आप यह समझिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रांजेक्शन करते हो वो एक्सचेंज है जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रांजेक्शन करते हो वो एक्सचेंज है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपने नाम सुना होगा वजीर एक्स करके ठीक है आपने नाम सुना होगा यहां पे मैं देता हूं आपके लिए उसकी वेबसाइट करके वजीर एक्स करके आपने नाम सुना होगा ऐसे आजकल तो बहुत सारे एड आते हैं ये वजीर एक्स करके ये वजीर एक्स जो है यह एक प्लेटफॉर्म है दैट इज ये क्लेम करते हैं इज मोस्ट ट्रस्टेड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो दिस इज वन एक्सचेंज एक्सचेंज का मतलब होता है प्लेटफॉर्म जैसे बी एस सी एन एस सी है वहां पर आप क्या सेल करते हो वहां पर आप सेल करते हो शेयर से कॉमोडिटीज है वो सेल करते हो यहां पर क्या सेल होगा आपके क्रिप्टो सेल होंगे यहां पे क्रिप्टो सेल होंगे तो बहुत सारे आपने देखा होगा आजकल तो आज कोई एक कॉइंस विद कुबेर और एक कॉइंस विद कुबेर करके एक आपने पे देखा होगा जेप पे नाम सुना होगा एक वजीरेक्स है तो ये क्या है एक्सचेंज है अब एक बात समझिए अगर एक्सचेंज के थ्रू अगर, अगर अपन ट्रांजेक्शन कर रहे तो क्या होगा क्वॉन्टीडियस किसका काटेगा करके ठीक है क्योंकि एक बात बताइए मैं क्या किया मेरे पास एक एप्लीकेशन अभी आपको है नहीं वजीरैक्स मेरे पास है बट अब मैं साइन अप करके आपको बता नहीं सकता बट इसमें मान लो मैं अगर क्रिप्टो खरीद रहा हूं तो मुझे तो पता ही नहीं है ना सेलर कौन है मुझे तो पता ही नहीं है सेलर कौन है भाई बायर मैं हूं मैंने क्रिप्टो खरीदा बायर मैं हूं करके ठीक है मैंने एक एक्सचेंज से ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे तो पता ही नहीं सेलर कौन है तो मैं किसका टीडीएस काटू कैसे काटू मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें तो क्योंकि अब एक एक्सचेंज एक एक बीच में आ गया इधर बायर है इधर सेलर है और एक्सचेंज आ गया अब मुझे पता नहीं वो एक्सचेंज एक्सचेंज की असेट है, एक्चेंज की है है मतलब क्रिप्टो करेंसी खुद बेच रहा है या हो सकता है किसी और की बेच रहा है मुझे तो पता ही नहीं है ना इस चीज में तो इसमें टीडीएस कैसे कटेगा डाउट तो दिमाग में आता है ना क्योंकि अब एक्सचेंज के आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो अगर हम ऑफ द मार्केट ट्रांजेक्शन करते तो, तो बायर सेलर ओके सेलर तू है बायर मैं हूं मैं दस हजार से ज्यादा का कंसड्रेशन एक परसेंट टीडीएस काट लूंगा मैं उसमें तो मैं काट लूंगा लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही आता है कि सर एक बात बताइए यहां जो ये एक्सचेंज है ये वजीर एक्स है ये एक एक्सचेंज है और यहां पे देखिए इतनी सारी जो करेंसी है वो लिस्टेड है ये सबसे पहले शिबा है यूएसडीटी है डोज कॉइन है बीटीसी है करके ठीक है टीआरएक्स है एथेरियम है एक्सआरपी है XRP आर पी मीन है करके ठीक है तो ये इतने सारे यहाँ पे कॉइन्स है वो आपके लिस्टेड है तो क्वेश्चन यहाँ पे ये यह आता है कि सर यहां जब ये वजी से एक एक्सचेंज है इसमें देखिए रेट बता रहा है करके ठीक है कि अभी जो है वो आपका जो बिटकॉइन चल रहा है वो बिटकॉइन कितने में चल रहा है सत्रह लाख रुपए की रेट चल रही है तो बिटकॉइन जो है वो उसका बाइंग प्राइस है वो सत्रह लाख चौपन हजार चल रहा है सेलिंग प्राइस है वो सत्रह लाख एटी वन थाउजेंड चल रहा है करके ठीक है तो और ये एवरी सेकंड आपका चेंज होते रहेगा क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के बाद में ऑब्वियसली एवरी सेकेंड जो है ये आपका चेंज हो जाता है तो क्वेश्चन यह आता है कि सर एक बात बताइए जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो एक्सचेंज के केस में सर एक बात बताइए एक्सचेंज के केस में कैसे टीडीएस कटेगा कौन काटेगा क्या काटेगा उसका कोई सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया है आंसर इज यस उसका सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया और वो क्लेरिफिकेशन मैंने यहां पे डाला है आपको ढंग से ध्यान देना करके ठीक है बिकॉज हो सकता है एग्जामिनर अगर मान लो आड़ा तेड़ा हुआ और क्वेश्चन बना के डाल दिया तो आपको वहां क्लिक होना चाहिए कि ये बात क्या कर रहा है तो देखिए टी एस एप्लीकेबिलिटी वेन ट्रांजेक्शन टुक प्लेस थ्रू द एक्सचेंज मैंने हर जगह वजीरेक्स करके एक एग्जाम्पल लिया है करके ठीक है कि वजीरेक्स अभी जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी वो वजीरेक्स की वेबसाइट है वो एक एक्सचेंज है और उसके थ्रू आप क्रिप्टो खरीद बेच सकते हो अब एक बात समझिए हो, होता क्या है मैंने एग्जाम्पल के रूप में हर चीज बताई है मिस्टर हरी है जो कि एक बायर है बाइज वर्चुअल डिजिटल असेट थ्रू द वजीरेक्स वजीरेक्स के थ्रू है हम डिजिटल असेट खरीद रहे मीन क्रिप्टो मैं वजीरेक्स पे गया लॉग इन किया वहां पर मैंने क्रिप्टो के लिए ऑर्डर प्लेस किया वहां से मैं खरीद रहा हूं एंडियज ओन बाय देवम कोई देवम करके सेलर है जो मुझे पता नहीं है बट मैंने एग्जाम्पल में लिया है करके ठीक है एग्जाम्पल में लिया है कि देवम करके एक सेलर है सेलर से मैं खरीद रहा हूं कौन बायर कौन है हरी है बट मैं खरीद रहा हूं एक एक्सचेंज के थ्रू एक एक्सचेंज पे गया वहां पर ऑर्डर प्लेस किया वहां मुझे खरीदा मैं देवम को जानता नहीं हूं मुझे पता नहीं देवम बेच रहा है करके ठीक है यह तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल में लिया है मैंने एक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा तो उस केस में क्या बोलो बोला है? मैंने आगे लिख के इन दिस केस वजीर एक्स विल डिडक्ट द टीडीएस ऑफ देवम वेन पेइंग एंड क्रेडिटिंग द कंसिडरेशन मीन इसमें हरी को वजीर एक्स का टी डी एस नहीं काटना है या हरी को देवम का टी डी एस नहीं काटना यहां पे वजीर एक्स है जो सेलर है सेलर कौन है देवम वजीर एक्स है वो टीडीएस काटेगा किसका देवम का यहां पे मुझे मैंने क्रिप्टो खरीदा मुझे कोई टीडीएस नहीं काटना देखिए तो मैं गया एक्सचेंज पे मैं गया इस वजीरैक्स पे और वजीरेक्स पे जाके और मैंने क्या किया एक्सचेंज पे जाके मैंने साइन अप किया और मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया तो मैंने क्रिप्टो जो है वो इतने सारे क्रिप्टो यहां पे दिख रहे हैं करके मैंने कुछ क्रिप्टो खरीद लिया तो क्या मुझे टीडीएस काटना है अगर ये मान लो जो है ये जो ओन है ये ओन करता है ये क्रिप्टो जो खरीदा मैंने इसका ओनर कोई और रहेगा देवम मैं मान लो हरी हूं और मैंने वजीरेक्स से खरीदा तो मुझे वजीरेक्स का टीडीएस नहीं काटना ठीक है क्योंकि वजीरेक्स तो उसका ओनर है ही नहीं अल्टीमेटली वो क्रिप्टो तो किसी और की है और वो बेच रहा है तो इसमें क्या होगा कि वजीरेक्स देखो मैं जब खरीदूंगा तो मैं पैसा किसको दूंगा वजीरेक्स को दूंगा वजीरेक्स पैसा किसको देगा उस बंदे को देगा तो जब वजीरेक्स उसको पैसा देगा ना किसको देवम को तो वजीरक्स देवम का वन परसेंट काटेगा यहां वजीर एक्स है वो देवम का टी काटेगा एक्सचेंज को टी काटना पड़ेगा किसका सेलर का बायर को एक्सचेंज का या सेलर का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है यहां पे लेकिन देखिए दूसरा पॉइंट मिस्टर हरी इज अ बायर मैं बायर हूं करके ठीक है बायज द करिप्टो थ्रू द वजीर एक्स मैं वजीर एक्स से खरीद रहा हूं एंड इज ओन बाय वजी ओनली मान लो वो क्रिप्टो का ओनर वजीर एक्स ही है क्रिप्टो का ओनर वजीरैक्स ही है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा वजीरैक्स है या नहीं है तो इस केस में पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हरी को टीडीएस काटना पड़ेगा वजीरैक्स को लेकिन इसमें ऑल्टरनेटिवली क्या होता है ऑल्टरनेटिवली दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और हर वेबसाइट का यही है ऑल्टरनेटिवली आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है जो भी टीडीएस का अमाउंट है वो वजीरैक्स खुद गवर्नमेंट को जमा करा देगा खुद गवर्नमेंट को जमा कराएगा आपको काटने की जरूरत नहीं तो मान लो मैंने एक एक्सचेंज के वजीरैक्स से क्रिप्टो खरीदा और वजीरेक्स से जब मैंने क्रिप्टो खरीदा तो मैं वजीरेक्स को पेमेंट कर रहा हूं तो इफेक्टिवली मुझे वजीरेक्स का टीडीएस काटना चाहिए क्योंकि ओनर वो है सेलर वो है और मैं उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं खरीद रहा हूं तो मुझे उसका टीडीएस काटना चाहिए लेकिन alternatively उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं आप मत काटिए अगर वजीरेक्स आपके साथ एक arrangement करता मेंजीरेक्स गवर्नमेंट को टैक्स है वो खुद ही जमा करा देगा जो कंसेडरेशन का वन रहेगा वो वजीरेक्स गवर्नमेंट को खुद जमा करा देगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इन दिस केस हरी विल डिडक्ट दीडीएस का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए If वजीरेक्स एंटर्ड इंटू द अग्रीमेंट विदरी अगर वजीरेक्स का अग्रीमेंट है हरी के साथ में देट वजीरेक्स विल पे टीडीएस टू द गवर्नमेंट देन हरी इज नॉट रिक्वायर टू डिरेक्ट द टीडीएस और प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है प्रैक्टिकल आप तो आपको जो है टीडीएस वगैरह है उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप हमसे क्रिप्टो खरीद रहे हो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हम उसका टेक केयर कर लेंगे और हमसे आपने खरीदा भले वो हम ओन कर रहे हैं हम टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो देखो बड़ा क्लियर है पहला और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप एक्सचेंज के थ्रू है वो कोई क्रिप्टो खरीद रहे हो दो चीजें अगर मैंने वजीरक से क्रिप्टो खरीदा और वजीरेक्स पे किसी और पर्सन ने सेल किया था सेलर वो है वजीरेक्स एक प्लेटफॉर्म है तो इसमें क्या होगा कि वजीरक्स जब सेलर को कंसिडरेशन पे करेगा ना तो वजीरेक्स टीडीएस काटेगा का पहले केस में लेकिन क्रिप्टो ओ ने वजीरेक्स ही कर रहा है और मैं वजीरेक्स से खरीद रहा हूं तो मुझे वजीरेक्स का टीडीएस काटना पड़ेगा करके ठीक है ऑल्टरनेटिवली वजीरेक्स और मेरे बीच में अगर अग्रीमेंट है और वजीरेक्स बोलता है कि मैं गवर्नमेंट को टीडीएस अपने आप जमा करा दूंगा कंसिडरेशन पे एक तो उस केस में वो गवर्नमेंट को अपने आप जमा करा देंगे कुछ दिक्कत नहीं है मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है लेकिन अब देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। TDS applicability when consideration is any other मिस हुआ क्या कि आपने आपने बिटकॉइन बिटकॉइन खरीदा, बिट्कोईन खरीदा और उसके बदले में आपने इंडियन पैसा नहीं दिया रुपया नहीं दिया आपने उसके बदले में, बदले में में बिटकॉइन के दे दिया

BTC BTC का मतलब होता है बिटकॉइन करके इसको BTC बोलते हैं हम शॉर्ट में करके ठीक है और यहां पे CBDT ने भी BTC ही बोला है करके तो मैं इसको पूरा बिटकॉइन नहीं लिखा मैंने BTC लिखा जैसे मान लो VDA is a BTC is being exchanged with the other VDA that is the Dogecoin both the person are buyer as well as the seller अब एक बात बताइए एक सिंपल सी चीज बताओ मुझे एक क्रिप्टो आपने दी और दूसरी क्रिप्टो खरीदी तो आप क्रिप्टो के बायर भी हो और आप सेलर भी हो और यह वाला जो बंदा है यह भी क्रिप्टो का बायर भी है और सेलर भी है यहां पे आप समझिए ना एक समझिए दो क्रिप्टो आपस में एक्सचेंज हो रही है तो आप एक एग्जांपल लेता हूं मैं जैसे बीबी हूं यह बंदा है हरी यहां पे एक बंदा है हरी मैंने क्या किया मैंने मान लो इससे बिटकॉइन खरीदा और मैंने उसको रिप्पल दे दिया बिटकॉइन खरीदा और रिप्पल दे दिया तो मैं बताऊं मैं बिटकॉइन के लिए तो बिटकॉइन का मैं बायर हूं बट मैं रिपल का सेलर भी हूं तो मुझे जो है

मैंने किसी को बीटीसी दिया और मैंने रिपल लिया तो मैंने बीटीसी दिया और रिपल लिया तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है जो रिपल आ रहा है वो तो रिपल जो आ रहा है कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू का टीडीएस है वो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा मतलब काटना पड़ेगा अब एक बात बताइए मैं काटूंगा कैसे मैं तो आगे वाले बंदे को बोलूंगा क्या मैं कैसे काटू मैं तो उसको दे रहा हूं बिटकॉइन दे रहा हूं मैं तो उसको थोड़ी पैसा दे रहा हूं पैसा दे रहा होता तो काट लेता पैसा तो नहीं दे रहा तो मैं आगे वाले को बोलूंगा उतना टीडीएस टू गवर्नमेंट को जमा इतना टीडीएस मैच गवर्नमेंट को जमा कराता हूं दोनों जमा करा दो गवर्नमेंट को और उसके बाद में आपस में एक्सचेंज कर दो लेकिन दिक्कत यहां पे ही आती है देखो आउट ऑफ द मार्केट है ना तो तो दिक्कत नहीं है आउट ऑफ द मार्केट है उसमें तो दिक्कत नहीं है वैष्णवी क्योंकि अगर मान लो मैं अपन दोनों बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो तो अपन इसको कंप्लायंस कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप वजीरेक्स के थ्रू कर रहे हो तो क्या होगा अब एक्सचेंज है एक्सचेंज के थ्रू आप बिटकॉइन खरीदे और आपने पेमेंट कर दिया वो मान लो रिपल में किया एक्सचेंज को तो एक्सचेंज के केस में यह कैसे चलेगा करके ठीक है थीके? तो देखिए क्या लिखा हुआ इन दिस ट्रांजेक्शन इफ दिस ट्रांजेक्शन टुक प्लेस थ्रू द एक्सचेंज

कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राम एक बंदा है हरी अब उनके बीच में आ गया यहां पे वजीर और वजीरेक्स कौन सा है ये एक्सचेंज है अब वजीर एक्सचेंज है अब इसने क्या किया मान लो राम वजीर को दे रहा है राम वजीरेक्स को दे रहा है एक करेंसी और यहां पे वजीर के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है मान लो राम दे रहा है यहां पर बीटीसी बिटकॉइन और हरी जो है वो हरी जो है वो हरी राम सेल कर रहा है बीटीसी और राम बाय कर रहा है दैट इज मान लो आपका ah. uh, रिप्पल करके रिपल है वो रिप्पल बाय कर रहा है. अब हुआ क्या मैं हरी की बात करूंगा तो हरी जो है वो बाय क्या कर रहा है हरी जो है वो बाय कर रहा है बीटीसी और सेल क्या कर रहा है रिप्पल कर रहा है अब एक बात समझना ये वजीरक्स क्या करेगा वजीरक्स ने एक सिस्टम बनाया वजीरक्स क्या करेगा भैया एक बात बताओ भैया एक बात बताओ यहां से आपका बीटीसी आ रहा है तो बीटीसी यहां पे आया भाई राम सेल कर रहा है बीटीसी तो यहां पे आया अब बीटीसी देना इसको है क्योंकि हरि को देना है तो ये क्या करेगा बीटीसी में से पॉइंट वन परसेंट ऑफ बीटीसी काट के रख लेगा अपने पास देखो बढ़िया सा सिस्टम बनाना क्या नहीं देखिए हो क्या रहा है राम बी सेल कर रहा है वजीर एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन हो रहा है और हरी जो है वो हरी क्या कर रहा है बीटीसी बाय कर रहा है मान लो हरि ने बीटीसी बाय करने के लिए जो ऑर्डर डाला उसने मान लो फॉर एन एक्साम्पल मैं बोलू दस हजार ऑर्डर डाला दस हजार बीटीसी खरीदने है। तो दस हजार बीटीसी खरीदने है। अब एक बात बताइए दस हजार का जैसे ये ऑर्डर डालेगा इसको दस हजार बीटीसी नहीं मिलेगा ये क्या करेगा मार्केट में यहां से राम से बोलेगा कि दस हजार बीटीसी दो राम ने क्या किया इधर दस हजार बीटीसी दिया और दस हजार बीटीसी में से ये वजीरक्स क्या करेगा वन परसेंट बी है वो काट लेगा वन परसेंट बीटीसी काट लेगा तो दस हजार में से मैं बताऊं दस हजार का अगर आप वन परसेंट करते इट्स कम्स टू हंड्रेड तो बाकी बचा कितना नौ हजार नौ सौ बीटीसी है वो किसको दे देगा हरी को दे देगा और वन परसेंट बी अपने पास काट के रख लेगा दैट इज टूवर्ड द टीडीएस अब एक बात समझिए यहां पर यह बंदा हरी जो है ये रिप्पल सेल कर रहा है तो हरी ने मान लो रिप्पल सेल किए वो पचास हजार रिप्पल सेल किए और यहां पर राम ने पचास हजार रिप्पल का ऑर्डर डाला था तो ये पचास हजार रिपल इसको थोड़ी दे पाएगा वो क्या करेगा वन परसेंट टी काटेगा तो एक्सचेंज क्या करेगा इस पचास हजार पांच सौ रिपल है वो काट के अपने पास रख लेगा 500 सौ रिप्पल है वो देगा नहीं वो अपने पास रख लेगा करके ठीक है वो अपने पास रखेगा अब आप बोलोगे कि सर ये रिप्पल और बीटीसी अपने पास बना, बचा के रखे उसने करके वन वन परसेंट अब इसका क्या करेगा वो अचार डालेगा अचार नहीं डालेगा बाबा वो बाबू क्या करेगा इसको फटाफट मार्केट में बेचेगा इसको फटाफट मार्केट में बेचेगा और मार्केट में बेचने के बाद उससे पैसा रिकवर करेगा और पैसा रिकवर करने के बाद गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराएगा तो गवर्नमेंट को टीडीएस है वो जमा कराए गा तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे बड़ा सिंपल है कि यहां पे जो एक्सचेंज के थ्रू आप जो कर रहे हो तो एक्सचेंज क्या करेगा दोनों लैग पे दोनों लैग पे मतलब जिसको जितना जितना देना है ना उसमें से एक एक परसेंट काट लेगा और एक, एक परसेंट काट के अपने पास रखेगा और काट के और फिर क्या करेगा जैसे ही काटा उसी दिन उसको क्या करेगा सेल करेगा मार्केट में जो एक्सचेंज है जो मार्केट प्राइस मिलेगा उससे सेल करेगा और सेल करके और जितना पैसा आएगा जो टीडीएस आएगा वो गवर्नमेंट को वो जमा करा देगा अब इसका प्रोसीजर इन्होंने दे रखा है देखो बड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है बट है कुछ कर नहीं सकते दे रखा है मैंने तो बड़ा ट्राई किया है इसको ईजी बनाने में करके ठीक है बड़ा ट्राई किया है वजीरेक्स वगैरह बनाने में मतलब जो एग्जाम्पल से थोड़ा आप समझ लो नहीं तो अगर आप अगर पढ़ेंगे आज घर पे जाके देखना है तो आप वॉल्यूम देखिएगा जो आपको वॉल्यूम दे रखा है आप देखोगे आपको लगेगा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा काम है तो देखिए क्या दे रखा है वजीरेक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू देखो अगर मान लो ट्रांजेक्शन उस पर हो रहा है और जो क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज हो रहा है क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज हो रहा है तो देखिए क्या लिखा है समझना वजीरेक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस फॉर बोथ लैक्स ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वजीरेक्स विल डिडक्ट टीडीएस इन देयर बींग ट्रेडेड मीन कौन सा पेयर ट्रेड हुआ है एक्साम्पल भी ये ने दे रखा है एज इट इज यहां लिया है एग्जाम्पल इज इन केस ऑफ द ट्रेड फॉर द मोनेर टू डेसो सो मोनेरो टू डेसो ये जस्ट क्रिप्टो करेंसी के मान लो नाम है करके मोनेरो टू डेसो तो मोनेरो टू डेसो आपका ट्रेड हुआ है और मोनेरो टू डेसो जब आपका ट्रेड हुआ है ये 0.1 परसेंट नहीं कुनाल 1 परसेंट रहेगा 1 परसेंट रहेगा चलिए इधर देखिए आप इधर देखिए क्या लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन

जो भी कंसिडरेशन है वो बाकी वाला दोनों को देगा और जो उसने काट के रखा है उसका क्या होगा तो देखिए क्या लगा होगा आगे वजीर शेल जैसे ही उसने मान लो यहां पे एक मोनेरो डेसो करके दो कॉइन थे जो दो कॉइन उसने काटे करके ठीक है दो कॉइन है वो मान लो उसने काट के रखा है टीडीएस का उसका क्या करना है उसको एक्सचेंज क्या करेगा वजीरेक शेल इमीडिएटली अ मार्केट ऑर्डर फॉर कन्वर्टिंग दिस दैट मोनेरो एंड वन परसेंट डेसो इन अबोव एग्जांपल टू वन ऑफ द प्राइमरी प्राइमरी मतलब जो मेन वर्चुअल डिजिटल असेट्स है, बोलती है जो मेन वर्चुअल डिजिटल असेट है मेन वर्चुअल डिजिटल असेट कौन कौन सी है जैसे बीटीसी है

जो सबसे ऊपर जो है वो इसमें जो तो शिवा दे देखो सबसे पहले यहां पे जैसे है है तो USDT करके है, as well as VRX करके, VRX तो करके करके वेल एज वाले का ही है फिर बीटीसी का मतलब होता है बिटकॉइन है उसके साथ में अगर आई में आप नीचे देखोगे तो यूएसडी और है करके ठीक है फिर बीटीसी बिटकॉइन है यहां पे आप देखोगे तो तो ये बेसिकली चार क्या है ना ये प्राइमरी क्रिप्टो करेंसीज है तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो जो तुम्हारा जो क्या बोलते हैं मोनेरो एंड डेसो अब वो मोनेरो डेसो ऐसी करेंसी है जो जिसका आजकल मतलब आप यू कैन से नॉट दैट ऑथेंटिकेटेड तो ये लोग क्या बोलते हैं वजीरक्स को क्या करना पड़ता है हाथों हाथ ऑर्डर पास करना पड़ेगा हाथों हाथ ऑर्डर लगाना पड़ेगा और उसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे कौन सी करेंसी में जो मेन करेंसी है दैट इज द बीटीसी एथेरियम या फिर USDT, USDC ये जो करेंसीज है जिसको बोल सकते हैं प्राइमरी ये प्राइमरी वीडियम में उसको कन्वर्ट करेंगे किसको मोनेरो डिसो को क्योंकि यहां हजारों करेंसी हो सकती है मोनेरो डिसो को फटाफट उनको क्या करना पड़ेगा जो वन वन परसेंट दोनों लेग में उसने काट के रखा है उसको फटाफट किस में बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे और बिटकॉइन लेके अपने पास बैठेंगे अब एक बात समझना बिटकॉइन को आई में कब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है

आप बिटकॉइन को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं करके ठीक है आप मान लो यूएसडीसी है यूएसडीटी है या फिर एथेरियम है उसको आईएनआर में फटाफट -फ़ड़ कन्वर्ट होता है तो आप एक काम करिए पहले वो मोनेरो डेसो को आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए जो प्राइमरी वीडियो और उसके बाद आई में कन्वर्ट होगा टाइम स्टैम्प फॉर द टाइमिंग ऑफ ऑर्डर टू बी टू एंश्योर सच कन्वर्जन ऑफ ए विध हेल्प टू बी डन ऑन द इमीडिएट बेसिस बाय द को टाइम स्टैम्प हर चीज का रखना पड़ेगा क्योंकि कल उठ के इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि भैया लास्ट में आते आते हमारा टीडीएस कम कैसे हुआ हमारा टीडीएस जो है वो टीडीएस जो है वो कम कैसे हुआ करके ठीक है ऐसा हो सकता है ना क्योंकि एवरी एवरी मोमेंट पे रेट चेंज हो रही है तो एवरी मोमेंट पे जब रेट चेंज हो रही है तो उस केस में आपको टाइम स्टैम्प रखना पड़ेगा कि हमने इस टाइम पे टीडीएस काटा और इसको हाथों हाथ हमने इस टाइम पे क्या करवा दिया कन्वर्ट करा दिया वो उनके रिकॉर्ड में उनको रखना पड़ेगा इफ द टेक्सेस विध हेल्ड इन द प्राइमरी दिस स्टेप वुड बी इग्नोर अगर मान लो आपने अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल BTC और USDC कन्वर्ट किया है मीन आपने BTC बेचा USDC खरीदा है, तो तो फिर आपको ये वाला स्टेप फिर करने की जरूरत नहीं है फिर आपको वापस प्राइमरी वीडियो में क्योंकि आप प्राइमरी वीडिय में ट्रांजेक्शन कर रहे हो मैं अगर बीटीसी रिपल रिप्पल में ट्रांजेक्शन कर रहा हूं मैं बीटीसी खरीद रहा हूं रिपल बेच रहा हूं तो ये तो प्राइमरी वीडिय है करके ठीक है जो मार्केट में ऐसे भी आईएनआर एनआर में सीधा कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके केस में ये वाला स्टेप आपको नहीं लेना है अब एक बात समझना जो लास्ट में शाम को हा हा बिटकॉइन इज अ प्राइमरी बिटकॉइन है ये चार सीबीडी ने बोला कि प्राइमरी एग्जांपल दिया बिटकॉइन में एथेरियम है है करके यूएसडीसी डीटी और यूएसडीसी करके है ये चार जो है वो उन्होंने बोला कि ये प्राइमरी है तो अगर मान लो आपका जो टीडीएस कटा था वो दूसरे वीडियो में कटा था तो उसको फटाफट प्राइमरी वीडियो में हाथों हथ करिए कन्वर्ट करके ठीक है अब प्राइमरी वीडियो में कन्वर्ट किए उसको करना क्या है करके ठीक है तो देखिए ऑल द टीडीएस इन द प्राइमरी अब टीडीएस पड़ा कौन सी करेंसी में है बिटकॉइन में टीडीएस पड़ा है रिप्पल में टीडीएस पड़ा है उसको क्या करना है

टे एक्सचेंज शेल बी वेरीफाइबल फ्रॉम द ट्रेल ऑफ ऑर्डर फ्रॉम टू वीडियो ट्रेड एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द डे एंड एंडेड बैलेंस ऑफ प्राइमरी वीडियो रात को 12 बजे आपको ऑर्डर लगाना है जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है 12 बजे हार्ड विल बी कन्वर्टेड इन टू द आई एन आर बेस्ड ऑन द मार्केट रेट एक्सिस्टिंग एट दैट टाइम उस टाइम पे जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पे आपको इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करवाना है एंड वजीरेक्स इज रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑर्डर रात को बारह दिन ऑर्डर लगाएगा ओपन बाई ऑर्डर इन द मार्केट तो मार्केट में जो भी जो रेट मिलेगी उसको मार्केट प्राइस पे वो लोग बेचेंगे और उस टाइम पे जो भी पैसा आएगा वो टीडीएस का अमाउंट माना जाएगा और अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा कराना पड़ेगा

अब जब फर्स्ट जुलाई से आई है करके ठीक है फर्स्ट जुलाई से आई है तो सर उसके पहले के ट्रांजेक्शन तो उस पर टीडीएस आएगा आंसर इज नो उसके पहले पे ट्रांजेक्शन पे टीडीएस नहीं आएगा लेकिन ध्यान रखना ये दस हजार या फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट देखते टाइम पूरे साल के ट्रांजेक्शन लोगे दस हजार या पचास हजार की लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल के ट्रांजेक्शन लोगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन और आफ्टर फर्स्ट जुलाई 2022. बट लिमिट ऑफ टेन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंबल फॉर देंशियलो फॉर तो फिफ्टीन जून जब केके लिमिटेड किया था तब टीडीएस नहीं 9, पे आपका आएगा क्यों आप बोलोगे दस से ज्यादा नहीं पूरे साल का तो दस से ज्यादा है ना पूरा साल का दस से ज्यादा हो गया जून वाले पे नहीं काटना है जुलाई के बाद से काटना है बट लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल की लिमिट लोगे तो नाइन है वो उसके बाद वाला है और लिमिट क्रॉस हो गई ना दस क्योंकि दोनों को मिलाओगे

फर्स्ट अप्रैल 2022 से ये टॉपिक आया और इसमें एक सेक्शन डाली गई 115 वन ये ये बोलती है कि अगर आप कोई वीडीए ट्रांसफर करते हो उस पर इनकम होगी उस पर थर्टी परसेंट टैक्स लगेगा VDA के कैपिटल ये जो इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा एज वेल एज द आपको लॉसेज वगैरह है वो लॉसेज भी आपको अलाउ नहीं होंगे और इसके लॉसेज किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते अब वीडीए का मतलब क्या होता है कि आपकी क्रिप्टोग्राफी से कोई इन्फॉर्मेशन कोड नंबर टोकन है वो है या फिर एनएफ है करके या कोई भी अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो वाली असेट है वो वीडिय में आएगा

सिडरेशन जब भी वीडिय का दोगे उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा का, वन परसेंट की रेट से का पेयर कौन होगा एनी पर्सन पर्सन पे रेजिडेंट दस हजार से ज्यादा का है तो ही टीडीएस काटना है लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना अगर इंडिविजुअल एचओ का बिजनेस है ही नहीं या इंडिविजुअल का लास्ट ईयर का टर्न ओवर टू वन करोड़ फिफ्टी लैक है तो उस केस में उसके लिमिट जो है वो दस की जगह पचास हो जाएगी और यहां पर आपको टीडीएस जो काटोगे वो अगले महीने की सात तारीख तक जमा नहीं कराना है आपको टीडीएस जो जमा कराना है वो आपको अगले महीने की तीस दिन में जमा कराना है एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा दैट इज ट्वेंटी सिक्स करके फॉर्म रहेगा और उसके साथ साथ में आपको यहां पे पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं है एज वेल एज सेक्शन एक टू जीरो सिक्स ए बी सेक्शन नहीं लगेगी टू जीरो सिक्स ए बी क्या होती है कि आगे वाले ने अगर मान लो अपना रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट ईयर तो उसका टीडीएस है वो हायर रेट से कटा है पांच परसेंट तो वो वाली सेक्शन डबल द रेट वाला वो वाला सेक्शन है वो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ये इसके पास टेन नंबर ही नहीं है पता ही नहीं कर पाएगा कि आगे वाले ने अपना क्या बोलते हैं रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया उसके बाद अगर वन ओ और वन एस दोनों लगती है तो ऑब्वियसली वन एस में टीडीएस कटेगा अब वन क्यू और वन एस लगती है तो वन एस में टीडीएस कटेगा अब एक बात समझना टीडीएस कैसे कटेगा तो अगर मान लो ट्रांजेक्शन आपका जो है वो मान लो बाहर हो रहा है आउट ऑफ द मार्केट हो रहा है तो दिक्कत

अब पूरे दिन का जो टीडीएस है वो टीडीएस कौन से फॉर्म में पड़ा है टीडीएस पड़ा है बीटीसी के फॉर्म में रिप्पल के फॉर्म में यूएसडीसी के फॉर्म में यूडी UD... जो जो ये कॉइन है इनके फॉर्म में पड़ा है रात को बजते ही वजीरेक्स क्या करेगा जितना टीडीएस का अमाउंट था उसका ऑर्डर प्लेस करेगा और उसको आई में कन्वर्ट करा लेगा और आई में जितना अमाउंट आएगा उतना गवर्नमेंट को अगले महीने की सात तारीख तक उसको जमा कराना पड़ेगा दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक वीडीए और वर्चुअल डिजिटल असेट नाउ ले लीजिए दस मिनट का ब्रेक बट